मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है शेरशाह। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो अगर आप भी शेरशाह फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेरशाह फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं, बतलाएंगे इस फिल्म ने साल 2021 में इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई की थी, साथ ही साथ इस फिल्म को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे और इसके अलावा हम बात करेंगे इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए थे और ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। चलिए दोस्तों, यहां से हम बात करते हैं शेरशाह फिल्म के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस फिल्म को 12 अगस्त 2021 को Amazon Prime Video में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों वहीं पर हम बात कर ले इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी अभिनय करते हुए नजर आए थे और दोस्तों बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में तो हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया है और वहीं पे बात कर ले फिल्म के डायरेक्शन के बारे में तो विष्णु वर्धन सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो संदीप श्रीवास्तव सर ने फिल्म की कहानी को लिखे थे। दोस्तों बात कर ले फिल्म की म्यूजिक के बारे में तो इस फिल्म की म्यूजिक जो है तनिष्क बागची सर ने तैयार किए थे और बात कर ले इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो धर्म प्रोडक्शन के बैनर पर इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसी तरह दोस्तों फिल्म के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा डुअल रोल में नजर आए हैं, कैप्टन विक्रम बात्रा के रूप में अभिनय करते हुए इस फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों बात कर ले कियारा आडवाणी मैम के बारे में तो डिंपल चीमा के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई हैं। वहीं पे बात कर ले शिव पंडित के बारे में तो इस फिल्म में संजीव जेमी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर ले अनिल चिरंजीत के बारे में तो बंसी लाल के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी बतलाने से पहले आपको बता दें, शेरशाह फिल्म साल 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी युद्ध मूवी है जिसका निर्देशन विष्णु वर्धन सर ने अपने हिंदी फिल्म डेब्यू में किया था और इसे संदीप श्रीवास्तव ने लिखा था। फिल्म के निर्माण के बारे में हम बात कर लेते, फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत और कास्ट एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। इसमें हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता एंड शबीर बक्सवाला ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। वहीं पर हम बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया गया था बात्रा और उनके जुड़वा भाई के विशाल के रूप में इस फिल्म में इनको दिखलाया गया है। और वहीं पे हम बात कर ले कियारा आडवाणी के बारे में तो प्रेमिका डिंपल चीमा के रूप में इस फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, मई 2019 में घोषित की गई थी फिल्म के बारे में प्रमुख फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी और जनवरी 2020 में समाप्त भी हुई थी। शुरुआत में फिल्म को 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को Amazon Prime Video पर हुआ था। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के प्रदर्शन, संगीत निर्देशक और एक्शन दृश्यों की विशेष प्रशंसा हुई थी। हालांकि लेखन को कुछ आलोचना भी मिली थी। साथ बता दें दोस्तों, 31 अगस्त 2021 को Amazon ने कहा था कि शेरशाह मूवी भारत में मंच पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। दोस्तों फिल्म को लेकर करण जौहर ने 2018 में पुष्टि की थी कि वो कैप्टन विक्रम बात्रा के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म का निर्माण करेंगे। बात्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बात्रा का किरदार निभाए। अंततः उन्हें बात्रा और उनके समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका निभाने के लिए चुना गया और इसी के साथ
कियारा अडवाणी को कास्ट करने से पहले बात्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी। मल्होत्रा ने अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया था, जहाँ पे फिल्म की आधिकारिक घोषणा से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि सेठ जो है मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन बाद में इसे शेरशाह में बदल दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, फिल्म की आधिकारिक तौर पर 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, जिसका शीर्षक पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान चंडीगढ़ में रखे गए थे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 7 मई 2019 को शुरू हुई थी और फिल्म 12 जनवरी 2020 को लपेट लिया गया था और पेज वर्क जो है शॉर्ट 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे शेरशाह फिल्म को, जिसे 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। कहानी को पूरा एनालिसिस करेंगे और फिल्म से जुड़े रोमांटिक फैक्ट को बतलाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बता दें दोस्तों, शेरशाह फिल्म साल 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म को Amazon Prime Video में रिलीज किया गया था 12 अगस्त 2021 को और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों फिल्म के गाने के बारे में हम बात कर ले तो तनिष बागची ने फिल्म के गाने को तैयार किए थे। बताया दोस्तों, गानों को रिलीज करने के बाद इस फिल्म के गाने चार्ट में सबसे ऊपर था। इसी के साथ बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी अभिनय करती हुई नजर आई थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो विश्वनवर्धन सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी संदीप श्रीवास्तव सर ने लिखे थे। और बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में, तो हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, एन सबीर बख्शावाला, एन अजय शाह ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। और दोस्तों फिल्म को बनाने में कम से कम 50 करोड़ से अधिक के बजट खर्च हुए थे और ये फिल्म 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया है और ये फिल्म साल 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों शेरशाह फिल्म साल 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन युद्ध वाली फिल्म है, जिसका निर्देशन विष्णुवर्धन सर ने अपने हिंदी फिल्म डेब्यू में किया था और इसे संदीप श्रीवास्तव ने लिखा था। फिल्म के निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत और कास एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था, जिसमें हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, सबीर बख्शावाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी ने मिलकर इस फिल्म को निर्मित किए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस फिल्म में लिया गया था। बात्रा और उनके जुड़वा भाई की विशाल के रूप में इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में इनको देखा गया है। जबकि आपको बता दें फिल्म में अभिनेत्री कियारा अडवाणी ने अभिनय करते हुए नजर आई थी और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के रूप में इस फिल्म में काम की है, जो मई 2019 में घोषित प्रमुख जो फोटोग्राफी के साथ की गई थी मूवी की उसी महीने में शुरू हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2020 में समाप्त हो गई थी शूटिंग। और शुरुआत के बारे में हम बात कर ले तो 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद, जिसमें मल्होत्रा और कियारा अडवाणी के प्रदर्शन, संगीत, निर्देशक और आपको बता दें एक्शन दृश्यों की विशेष प्रशंसा हुई थी। हालांकि लेखन को कुछ यानी कि आलोचना भी मिले थे और अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा था कि शेरशाह मूवी भारत में मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। इसी के साथ बताया दोस्तों, करण जौहर ने साल 2018 में पुष्टि की थी कि वो कैप्टन विक्रम बात्रा के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाने का निर्माण करेंगे। इसी के साथ बात्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बात्रा का किरदार निभाए और अंततः उन्हें बात्रा और उनके समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका में इनको देखा गया फिल्म के अंदर और इनको चुन लिया गया इस किरदार के लिए। कियारा अडवाणी को कास्ट करने से पहले बात्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी, लेकिन मल्होत्रा ने अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था और फिल्म की आधिकारिक जो है घोषणा से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि शीर्षक जो है मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन बाद में इसे शेरशाह में बदल दिया गया और इसे शीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म की आधिकारिक तौर पर 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, लेकिन जिसका शीर्षक जो है पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान चंडीगढ़ में लगाए गए थे, जहाँ पे पालमपुर गाँव में इस मूवी की शूटिंग किया गया था।
और कारगिल लद्दाख में, और आपको बता दें कश्मीर घाटी में कुछ शूटिंग किए गए थे और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 7 मई 2019 को शुरू हुई थी और फिल्म 12 जनवरी 2020 को लपेट ली गई थी। और आपको बता दें पैच वर्क शॉट जो है 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बताया दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शेरशाह फिल्म के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप शेरशाह फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि ये फिल्म अभी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको बता दें फिल्म में दिखाए गए गीतों को त्रिक्स बागची, बी प्रकाश एंड जसलीन रोहित धारा इस फिल्म के गाने को तैयार किए गए थे। यहाँ पे जावेद मोहसिन और विक्रम जो है मोटर्स धारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसके बोल मनोज मुंतशिर और रश्मि बिरस द्वारा किए गए थे। और आपको बता दें अनविता दत्ता जामी और बागची धारा लिखे गए थे गाने को। जॉन स्टीवर्ट जो यानी कि एडोरी ने फिल्म के स्कोर की रचना की, जो 16 अगस्त 2021 को सोनी म्यूजिक धारा इस मूवी को इंडिया धारा जारी किया गया था। संगीत एल्बम 2021 का सबसे बड़ा साउंड एट माना जाता था और सभी संगीत जो है यानी कि प्लेटफॉर्मों में 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर लिया था इस फिल्म के गाने। और आपको बता दें ये गाने जो है साल के सबसे ज़्यादा यानी कि तेज भारतीय एल्बम जो है बिकने वाला बन गया था। इसी तरह फिल्म के गाने जो है रतन लाम बियान धारा और रांझा जो है बिलबोई धारा हॉट किए गए 100 पर जो है शीर्ष पर पहुंच गए थे। और इसके अलावा जो है इनकी बिलबोर्ड ग्लोब जो है 200 यानी कि शीर्षक पर रहे थे। सभी संगीत और वीडियो प्लेटफॉर्म में गाने राष्ट्रीय और बेसिक जो है चार्ट में सबसे ऊपर है। इस फिल्म के गीत जो है इनकी भारत 2.0 अप्रैल 2017 में रिलीज हुए थे और बी पार्क के एकल के साथ जो है यानी कि मनभारिया का मनोरंजन भी किया गया था। और इसे गायक बी पार्क और संगीतकार जो है इनके गीतकार जानी के साथ मूल गीत की एक ही यानी कि टीम द्वारा फिर से जो है बनाए गए थे। फिल्म 3 जुलाई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई, जो 20 फरवरी 2020 को फिर से स्थगित होने से पहले 2 जुलाई 2021 के रूप में नई रिलीज की तारीख को घोषणा कर दी गई थी। फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को Amazon प्राइम वीडियो पर हुआ। अगस्त 2021 को Amazon ने कहा कि शेरशाह मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म को दर्शकों द्वारा 4,100 से यानी कि अधिक भारतीय शहरों और कंबों के साथ 210 देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग किया गया था और फिल्म जो है साल 2021 की सबसे बड़ी हिट मूवी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के फ़ैन हैं और इनके मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में। दोस्तों मूवी को क्या रिव्यू रेटिंग दिया गया है 2021 में रिलीज होने के बाद, चलिए अब हम जानते हैं। वैसे आप इस फिल्म को क्या रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो 5 में से, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 2 स्टार या फिर 3 स्टार देना चाहते हैं, जो भी आपका राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बता दोस्तों शेरशाह मूवी रिलीज होने पर शेरशाह को फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ने फिल्म के लेखन की आलोचना भी की। रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म को 13 समीक्षकों के आधार पर 54 रेटिंग और 5.2 की रेटिंग दी गई है। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने शेरशाह को पावर पैक मूवी कहते हुए इन्होंने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है शेरशाह मूवी कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा और आपको बता दें प्रेरणादायक और भावनात्मक की वीरता वाली साहस और आपको बता दें बहादुरी को सलाम करता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक गेम चेंजर वाली फिल्म थी और आपको बता दें कमांडिंग एक्ट जो है न कि ईश्वर क्रिया के साथ निर्देशक जो विष्णुवर्धन शेरशाह की कहानी को अत्यंत यानी कि योग्यता के साथ बताते हैं। कैप्टन के साथ इस मूवी की पटकथा लेखन अधिकांश भागों में किए गए थे, यानी कि अवशेषतिक यह है कि युद्ध के दृश्यों को उत्कर्ष के साथ जो यानी कि निष्पादित किया जाता है। और आपको बता दें फिनाले निश्चिंत रूप से आपको नम कर देंगे इस फिल्म की जो कहानी है। इसी तरह फर्स्ट पोज के अन्ना एमएम वेटी कैट ने फिल्म को रिव्यू करते समय इन्होंने 5 में से 2.75 स्टार दिए हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक जो है यानी कि इज ग्रिपिंग के साथ जो है एंज आर्मी
एंड साथ ही प्रोसीजरल के साथ इसे जो है कि कपूर एंड सन्स के बाद मल्होत्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाया गया है और कहा कि विष्णुवर्धन को इससे अधिक जो है उपयुक्त यानी कि मुख्य धारा का स्टार नहीं मिल सकता था। भारत के पसंदीदा युद्ध यानी कि नायकों में से एक को याद करने में उनके साथ शामिल होने के लिए NDTV के सेवल चटर्जी ने मल्होत्रा को यह कहते हुए इस फिल्म को 5.2 स्टार दिए कि बात्रा को यानी कि दक्षता के साथ चित्रित करने के लिए उसके पास क्या है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला सिनेमा की मार्कर के साथ जो क्षमता और चमकदार जो यानी कि पत्थर शेरशाह को एक युद्ध नाटक के रूप में और भी यानी कि अधिक और आगे ले जाने की जरूरत है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है फिल्म की मंदी फिल्म यानी कि बद्दी के साथ यानी कि संरचना के साथ इसे जो यानी कि तनाव या फिर पकड़ बनाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिल्म में जो लड़ाई शुरू होने के बाद दूसरे घंटे में यह यानी कि जीवंत हो जाती है कि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5.2 स्टार देते हुए कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में न तो एक युद्ध फिल्म में निहित है या फिर आवश्यकता जो है नाटक है, नहीं ये मूवी यानी कि देशभक्ति के रोंगटे खड़े कर देती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन रोहन नेहरा ने पटकथा की प्रशंसा की लेकिन दिशा की आलोचना करते हुए कहा कि स्मार्ट कोरियोग्राफ की गई है और आपको बता दें कार्रवाई एक जन की श्रद्धा पूर्ण ईश्वर है जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का ईमानदार प्रदर्शन विष्णुवर्धन की असमान दिशा के लिए नहीं बना सकते हैं। यह दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की करियर के सबसे बड़ी मूवी, इसका नाम है शेरशाह। तो दोस्तों अगर आप शेरशाह फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम शेरशाह मूवी से जुड़े काफी अननोन फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। बता दें दोस्तों एक वीडियो रिकॉर्ड करने में हमें 2 से 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है और ये आप लोग को पता है एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, तो कई सारे इन्फॉर्मेशन को हम लेके आते हैं और आपके सामने रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। फिल्म की शुरुआत में विशाल बात्रा जो बात करते हैं वह 2017 में उनके द्वारा किए गए TEDx भारत द्वारा उनको बात की जाते हैं भाषण से मिलती जुलती है। इसे शीर्षक के साथ जो इनकी समान कपड़ों से स्पष्ट कर दी गई थी। फिल्म में विक्रम बात्रा और डिम्पल चीमा की शादी को लाया गया है जबकि वह अनजान है। साल 2016 में द क्वीन के साथ एक सचेताकार में चीमा ने खुलासा किया था कि निशान साहिब की साथी परिक्रमा करते समय जो वह मेरे पीछे चल रहे थे। इसी तरह परिक्रमा के साथ पूरी करने पर उन्होंने कहा बढ़ाई हो और साथ ही श्रीमती बात्रा में उन्हें जो है देखने के लिए घुमा मेरे जो है कि दुपट्टे का एक यानी कि सिरा कपड़े हुए है। इसी तरह सिख धर्म में निशान साहिब के चारों ओर जो है कि 4 फेरे पूरे करने को शादी की रस्म मानी जाती है। उसी सचेताकार में बात्रा धारा चीमा के बालों को अपने खून एक हिंदू विवाह जो है अनुष्ठान से भरने के चित्रण की भी पुष्टि की गई थी। फिल्म में बात्रा को अपने दोस्त से कहते हुए दिखाया गया है कि मैया तो जीत में भारतीय यानी कि ध्वज यानी कि फहरा कर वापस आऊँगा या फिर उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर, इन्होंने इस फिल्म के अंदर कहा है और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है। बता दोस्तों हालांकि उनके जुड़वा विशाल बात्रा ने बात्रा को एक दोस्त शब्द कहने की पुष्टि की और ये जो है कि विवादित है कि उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को किसके लिए कहा था। फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना को रेडियो पर बात्रा को धमकाते हुए दिखलाया गया है। बात्रा ने खुद जो है यानी कि बरखा दत्त के साथ अपने परिचित जो है स्वच्छताकार में इसे याद करते हुए कहा और शेरशाह आप आ गए हैं और ऊपर आने की कोशिश मत करो अन्यथा आपके पास कठिन समय हो जाएगा। और यही है और यही वो समय था जब उन्होंने हमें दिखाया था कि एक चुनौती और मेरे दोस्तों के साथ यानी कि बंजली हो जाएंगे, जंगली हो जाएंगे। और फिल्म में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीयों से माधु दीक्षित को देने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। यूनिट में सेवा देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी और आपको बता दें 5140 पर जो है कब्जा करने के बाद बात्रा को चीमा को कॉल करने के लिए एक पत्रकार के सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में उसने एक जो है कि सैटेलाइट फ़ोन उधार लिया गया था, लेकिन इसके बजाय जो है उसने अपने पिता को फ़ोन किया था और उनके अधूरे संदेश यानी कि डैडी आई यानी कि हैव के साथ कैप्चर को शुरू में उनके कब्जे के संदेश के रूप में गलत जो है समझा गया था। इसी तरह 4875 पर चढ़ते समय बात्रा को एक बंकर पर हमला करते हुए दिखाया गया है।
और अकेले ही 3 दुश्मन सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया है। हालांकि वास्तव में उसने दुश्मन के 5 सैनिकों को मार दिया, यानी कि मार गिराया था। और आपको बता दें, इसी बीच जो है कि उसे कई चोटें लग जाती है और फिल्म के विपरीत जो है कि साइनीपर की चपेट में आने के बात्रा की तुरंत जो है मृत्यु हो गई और अपने आदमियों को इसी बिंदु पर कब्जा करते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिल्म शेरशाह को, जिसे साल 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये फिल्म आपको अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, ये मूवी आप Amazon Prime Video के अंदर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस मूवी की कहानी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि शेरशाह फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट रखा है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी विशाल बात्रा अपने भाई विक्रम के जीवन की कहानी बताते हुए एक यानी कि टेड टॉक देते हैं। इसी बीच दोस्तों युवा विक्रम क्रिकेट जो है खेल रहे होते हैं, जब वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के साथ लड़ाई में पड़ जाते हैं, जिससे निजर जो है स्वभाव का पता चलता है। इसके लिए वह बाद में जाने लगते हैं विक्रम टीवी सीरीज एन साथी परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होते हैं उसकी सेना में भर्ती होने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम जो है अंग्रेजी को अपने प्रमुख विषय के रूप में पढ़ रहे थे। भारतीय नौसेना या फिर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्हें जो है मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, जिसने जो है उनकी प्रेमिका डिंपल को खुश कर दिया था। फिर भी उनके करियर को लेकर भ्रमित थे कि विक्रम और डिंपल जो है न कि शादी करना चाहते थे। हालांकि डिंपल के पिता ने विक्रम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अलग अलग जो है न कि जातियों से आ रहे थे। इसी बीच जो है विक्रम को एहसास हुआ कि वह मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए है। वह अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद CDS सैनिक जो है रक्षा की सेवा को क्रैक करते थे और आपको बता दें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए चले गए थे, जहाँ पे विक्रम को जम्मू कश्मीर के साथ जो है कि राइफल के लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था इनको। अपने यानी कि पुरुषों और स्थानीय लोगों दोनों के साथ जो यानी कि सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करते हैं और आतंकवाद विरोधी यानी कि अभियानों में भाग लेते हैं। इसी तरह के एक ऑपरेशन पर वह अपने CO यानी कि लेफ्टिनेंट संजीव जिमी के साथ जो यानी कि जमवाल की अवहेलना करते हैं, लेकिन अपराधियों को बेअसर कर दिया जाता है और जिमी की जान बचा ली जाती है। जिमी उसकी यानी कि दृष्टिकोण को फटकार लगाता है, लेकिन बाद में उसके करीब आ जाते हैं डेल्टा कंपनी, जिसका विक्रम भी लेफ्टिनेंट के रूप में एक हिस्सा थे, जहां पे विद्रोही समूह के गुर्गे को पता लगता है और वहां पे पता लगता है कि प्रतिशोध में नेता हैदर डेल्टा कंपनी को हथियारों के कैश की बुद्धि के साथ जो है कि लालच देकर हमला करता है, जहां पे मारे गए थे सारे लोग हमलावर में। और विक्रम का दोस्त जो है नायब सूबेदार बंसी लाल भी शामिल हो जाता है इस लड़ाई में, जहाँ पर दर्दनाक और प्रतिशोधी वह हैदर को ट्रैक किया जाते हैं और एक ऑपरेशन के लिए यूनिट के CO लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से प्रतिक्रण किए जाते हैं, जहाँ पे उसको प्राप्त किया जाता है। विक्रम के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि कारगिल युद्ध जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो दोस्तों उसके घर जाने के बाद क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी नज़र आई थी। दोस्तों ये फिल्म साल 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। शेरशाह फिल्म अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। मई 1999 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक आक्रामक जो है कदम उठाया था और कारगिल पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी गई थी। एक जो है संभावित युद्ध के बारे में खबर के रूप में विक्रम ने अपनी छुट्टी काम करने और लौटने का फैसला किया। इसी बीच अपने दोस्त सनी से वादा करता है, या तो जीत में भारतीय ध्वज फहराकर वापस आऊँगा या उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर।
अब इसके बाद यूनिट को धुमीर आर्मी में बेस में एक जो है रिजर्व फोर्स के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही आपको बता दें अन्य जो है कि रेजिमेंटों को भी समायोजित करने और तैयार करने के लिए बेस जो है कि तोप खाने की आग की चपेट में आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रम के वरिष्ठ मेजर अजय सिंह यानी कि जस रोटिया सहित कई जो यानी कि हताहत हो जाते हैं। युद्ध के 3 हफ्ता बाद थीट जन यानी कि थीट जेक के साथ जो है रीफ को दूसरी राजपुताना एंड साथ ही राइफल के साथ जो है 2 राज रीफ को हरा देने की इस क्रिया जो है यानी कि ड्यूटी में ले जाया गया। और आपको बतला दे पॉइंट जो है 5140 को 17,000 फीट पर जो है पुनः प्राप्त करने का काम जो है सौंपा गया था। विक्रम ने रेडियो संचार के लिए जो है कि कोड नेम के साथ शेरशाह और विजय के साथ जो यानी कि संकेत ये दिया था कि दिल मांगे मोर को अपनाया जाया था। और जिमी के साथ जो है विक्रम अपनी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं। और आपको बता दें बिना यानी कि हताहत होने के बाद भी पॉइंट जो है 5140 पर कब्जा कर लेते हैं। सेना और जनता में प्रशंसा बटोरने के बाद युद्ध के दौरान विक्रम को कैप्टन के पद पर इनको रखा गया। और उनकी जो है प्रभावशाली जीत के बाद जो है आर्मी कमांडर में 13 जेक रीफ को जो है 4875 पर कब्जा करने का काम दिया गया। राष्ट्रीय जो है इनकी राजमार्ग में 1 को नज़रअंदाज कर दिए गए। और आपको बता दें लक्ष्य यानी कि लक्ष्य नीक को रूप में युद्ध को जो है समाप्त कर देंगे और वह अगले दिन पॉइंट जो है 4875 पर हमला शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है यानी कि उबड़ खबड़ जो है इलाकों के साथ दुश्मनों के कई जो है यानी कि बंकरों के कारण जो है भारी हताहत हो जाती है। आखिरकार वह उन 4 जो है बंकरों को नष्ट कर देते हैं जिनके बारे में वह जानते हैं। और आपको बता दें 5वें जो है कि छलावर यानी कि बाले बंकर से जो है अनजाने वह भारी आग जो है लगा देते हैं। विक्रम जो है राइफल मैन के साथ यश को यानी कि यश पॉल को बंकर में पाकिस्तानी RPG के साथ 7 का जो है इस्तेमाल करने का काम देते हैं। हालांकि एक जो है स्नाइपर उसे गोली मारने से पहले मर जाता है यानी कि भारत जो है मर जाता है। और विक्रम उसे बचाने के खुले मैदान में दौड़ते हैं और सफलतापूर्वक जो है ऐसा कर लेते हैं। लेकिन स्नाइपर और AK-47 दोनों ही राउंड से कई बार जो है मारे जाते हैं। जैसे ही वह गिर जाते हैं वह देखते हैं कि सूबेदार रघुनाथ जो है अंतिम जो है बंकर पर कमान जो है संभाल लेते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि पुरुष जीत में भारतीय ध्वज जो है उठा लेते हैं। और पॉइंट जो है 4875 पर उनके कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत जो है यानी कि परमवीर चक्र अमेरिकी मेडल ऑफ यानी कि ऑनर के समक्षक के साथ जो है इनको सम्मानित किया गया। अंत में जो है पालनपुर यानी कि कोंगंडा में उनके अंतिम जो है संस्करण हुए। और आपको बता दें व्याकुल जो है डिंपल को दिखाया गया है, उनको दिखाने के बाद असली क्रेडिट में दिखलाया गया है विक्रम बात्रा को, जो असली फोटो में उनको आप जो है देख सकते हैं फिल्म के अंदर। शेरशाह मूवी अनाउंसमेंट इन मई 2019 प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन द सेम मंथ इन द एंड कंक्लूडेड इन जनवरी 2020 इंटीरियर सिलेक्ट द बी एंड रिलीज ऑन 3 जुलाई 2020 द फिल्म वाज द इन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक इन द फिल्म द प्राइमेट ऑन 12 अगस्त 2021 ऑन अमेजन प्राइम वीडियो द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड ऑडियंस विद एंड द पर्टिकुलर प्राइज फ्रॉम द एन मल्होत्रा एंड अडवाणी इज द परफॉर्मेंस एंड म्यूजिक डायरेक्शन एंड द एक्शन सीक्वेंस द अल्थाउ द एंड वेटिंग द रिसीवमेंट एंड सोम द क्रिटिक्स एंड द ऑन 31 अगस्त 2021 अमेजन स्टार्ट द एंड शेरशाह हैड द बिकम द मोस्ट एंड मोस्ट वॉचड इंडियन फिल्म ऑन द प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। करण जौहर कन्फर्म इन द 2018 द वर्ल्ड बी एंड द प्रोड्यूसिंग द बिगिन ऑफ द लाइफ ऑफ द कैप्टन विक्रम बात्रा द एंड बात्रा फैमिली वांट द सिद्धार्थ मल्होत्रा टू द प्ले द बात्रा ही द वास इवेंचुअली एंड सिलेक्टेड टू एंड पार्टिसिपेट द एंड डबल रोल ऑफ द बात्रा एंड हिज द एन identical twin the brother the in Vishal in several the actress where be and decision to play the Batra is the end finishes the Dimple and Dimple Chima before the Kiara Advani was the cast in Malhotra started the in military the training for the film in April 2019.
बिफोर द ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म इट इज वॉट इन स्पेसिफिकलॉट द मूवी एंड टाइटल विल बी इन मेरा दिल मांगे मोर बट द लेटर वॉज द चेंजेड टू शेरशाह द फिल्म वॉज द ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऑन 2 May 2019 विद द टाइटल कन्फर्मिंग द शूटिंग लोकेशन टू बी एंड चंडीगढ़ पालमपुर कंगरा कारगिल एंड लद्दाख द कश्मीर वैली प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमिशन ऑन 7 May 2019 एंड द फिल्म वारपेड ऑन द 12 January 2020 एंड पेज वर्क द शॉट वर बी एंड कंप्लीट द बाय 23 October 2020 द सॉन्ग ऑफ द फ्यूचर द फिल्म वारपेड द कंपोजर बाय द तनिक्स बागची बी पारक जसलीन रोए एंड जावेद मोहनिश एंड द विक्रम एंड मशहूर विट इज द एनलर्ज द विट इन मनोज बापरा एंड द बागची तनिक्स बागची एंड द स्टार्टेड द विल कंपोजिट द फिल्म एंड स्कोर द म्यूजिक एल्बम द विच बी वॉज द रिलीज बाय द सोनी म्यूजिक इंडिया ऑन 16 August 2021 वॉज द एंड कंसिडरेड एज द बिगेस्ट एंड साउंडेड ऑफ द 2021 एंड द वन द हेड क्रोसेस वन द एंड बिलोन द स्ट्रीमिंग इन द म्यूजिक प्लेटफॉर्म द बिक्योम द एंड fastest Indian album to do and the Ratan Lambian the end Ranja Packet at the end Billboard Hot the 100 and originally the end topped the film and Billboard Globe 200 strong the end topped the national and the global the chart in the all music video platform the end song Man Bharia 2.0 was the end what the end recreation of the end product the single Man Bharia released in April 2017 was the end recreated the end same tone original song with the end song B Park in the composite. The film official was the scheduled to release the theatrical on 3 July 2020 but was the end delayed due to COVID-19 pandemic on 20 February 2021. The new release date was the announcement as the 2 July 2021. Before being the end postponed again, the film premiered on 12 August 2021 on the Amazon Prime Video on 31 August 2021. Amazon stated the Insertion movie had the become the most wanted most watched Indian film of the platform. The film was the end estimated by the audience in the over 4,100 Indian the end created the end twins were 210 the end countries and the terrorist upon the release Shersha movie received the positive review from the critics who the end praised the Malhotra is the performance and the action sequence but the same and critics the rating of the film on the review and aggregator website Rotten Tomatoes the film held in the rating of the 54 based on 13 review and the average rating of the 5.2 rating Taran Adarsh of the Bollywood Hangama give the film 3.5 star and the calling the Shersha movie powered the package and the Varud the Shersha and the selected the and below the and courage and the bravery of the Kargil war the hero Captain Vikram Batra and the inspiration of the emotional movie and a game changer for the Siddharth Malhotra coming acting the and unmissable the director and the Vishnu Vardhan director Vishnu Vardhan the and narrate to be a story of the Shersha movie with be an utmost the and captain the skin with the and option movie must part of the war and sequence are the and execute of the and force the final movie and sure to love you and musti ape the movie Anna MM the and Vatigate first give the and film 2 star of the 75 star out of the and opening movie Captain Vikram Batra in Bayukubi is the and graphic movie army the and production and the prosecutor of the in nothing it is the in Malhotra best performance the Science Kapoor and the songs of the end Vishnu Vardhan cloud of the not have found of the more the and suitable and the ministry of the star to join him the end Manohar Singh of the India favorite war of the end heroes of the end Saibal Chatterjee of NDTV give the film 2 star of the 5 star by the saying the and the saying Malhotra has the end tickets of the end portal Batra with the end obviously hit the end collection with the end cinematic powerful and a flying take the Shersha movie much the higher and the future is the world drama movie
अनुपमा चोपड़ा अब दी फिल्म कंपनी वरुड द फिल्म एंड द कुलकी स्ट्रोक द एंड डोंट अलाउ टू बी एन अक्रॉस द एंड टेंशन ऑफ द एक्सटार्ट मूवी ग्रिप इन द एंड कमेंस टू बी लाइफ इन द मूवी एंड सेकेंड हॉट द एंड वंस अगेन द एंड बैटल बिगिन द एंड शुभ रघुप्ता ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस गिव द फिल्म टू स्टार आउट ऑफ द फाइव स्टार सिंह द एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म हैज द एंड नेदर द एंड नेक्स्ट सीरी मूवी ड्रामा एंड इन हेयर द एंड क्रिकिंग वार द फिल्म नोर एंड डूट ऑफ द एंड पटुरर द एंड गोक्षी मूवी वेटिंग फ्रॉम द हिंदुस्तान एंड द हिंदुस्तान टाइम्स रोहन नेहरा प्राइजेड द एंड स्क्रीन बोर्ड द एंड क्रिटिसिज ऑफ द मूवी डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग द एंड सेमिलिट्री मूवी एंड कारगर ऑफ द रिवेंट टू बी इंदू सिद्धार्थ मल्होत्रा साइंस ऑफ द परफॉर्मेंस कैन बी मेक अप द फोर एंड विष्णु वर्धन ऑन भी ऑडियंस द मूवी द टेल विशाल बात्रा गिव द एंड मूवी द बिगेन ऑफ द फिल्म एंड द रिसेंबल टू एंड टेडेक द टेल गिव द गिव 2017 द एविडेंट फ्रॉम द सेम टाइटल एंड सिमिलर एंड कॉल टू द फिल्म एंड डिपेक्ट द विक्रम बात्रा एंड डिम्पल चीमा getting married the will be see in the on where the an interview with the and count in 2016 the Chima and revealed to be will be and doing the and परिक्रमा ऑफ द एंड निशान साहिब हैज द वॉश एंड विलकिंग द एंड बेहिन मी ऑन द एंड कम्प्लीटिंग द एंड परिक्रमा ही द एंड साइड द एंड कंग्रेचुलेशन द एंड ए मारिज द बात्रा एंड आई द एंड विजिट द अराउंड टू बी एंड सी हिम द एंड होल्डिंग वन एंड ऑफ द एंड दुपट्टा इन द एंड साक्षी एंड कॉम्पिलेशन ऑफ द एंड फॉर द फ्रंट एंड अराउंड विद द एंड निशा साहिब इज द एंड कंसिडर द मैरिज द एंड रिटुअल द एंड डिफिकल्ट बात्रा filming the Chima is the hair the end parting with is the end hello and the blood Hindu the end marriage the end ritual the end confident the movie and confirmed by the hair is the end same interview the film show the Batra and telling his the end friend the I either the comeback after the end resign the Indian flag the end victory and the victory over the return the end warped the but I come for the end althau his the end twin Vishal Batra confirmed the Batra saying the end worries to be in friend and it is the has been the end disputed the and we be in actually side to the end what the movie in particular the Pakistani troop and Pakistani troop the end rating is the Batra over the end radio Batra the himself noted his the end himself is the end famous interview with the in Barkhata dot and received the on Shersha movie you will come the end don't try to be and come up the end otherwise you have a and how time is the end theater time the end give you the end challenge and any the end guys to be where the world be in the film also show the end Pakistani trip is the end asking to Indian to give the film Madhuri Dixit this has the end been positive review and perfectly confirmed by the end other who the end service movie unit the film in after made of the end capture of 5140 Batra is the show to use the end journalist and string the phone duke phone to sell the enchima in the reality had the end browed the instead to end the and the satellite phone but which the end called his the father and instead the his end incompleted the message the DBIV the end captured the end entirely and missed of the message of the movie in the Vikram Batra. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था. इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे. तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है. दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला दिया है. दोस्तों फिल्म की शुरुआत में विशाल बात्रा जो बात करते हैं वह 2017 में उनके द्वारा किए गए थे. फिल्म में विक्रम बात्रा और डिम्पल चीमा की शादी को दिखलाई गई है जबकि वो अनजान है. साल 2016 में द क्वीन के साथ एक स्वच्छता कार में चीमा ने खुलासा किया था कि निशान साहिब की परिक्रम करते समय वह मेरे पीछे चल रहे थे और इसी तरह परिक्रम पूरी करने पर उन्होंने कहा था बधाई हो श्रीमती बात्रा मैं उन्हें देखने के लिए घुमा रही हूं. आपको बता दें दुपट्टे का एक जो है सिरा पकड़े हुए हैं जहाँ पे सिख धर्म में यानी कि निशान साहिब के चारों ओर चारों फेरे लिए जाते हैं. इसी तरह दोस्तों सिख धर्म में चार फेरे के बाद शादी की रस्म जो है मानी जाती है. उसी सहसता कार में बात्रा धारा
चीमा के बालों को अपने खून पर एक हिंदू विवाह जो है अनुष्ठान से भरने के चित्रण की भी पुष्टि की गई थी। फिल्म में विक्रम बत्रा को अपने दोस्त से कहते हुए दिखलाया गया है, मैं या तो जीत में भारतीय ध्वज फहराकर वापस आऊँगा या फिर उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन मैं निश्चिंत रूप से आऊँगा जरूर। हालांकि उनके जुड़वा जो है विशाल बत्रा ने बत्रा को एक दो जो शब्द कहने की पुष्टि की थी। ये जो है विवादित है कि उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को यानी कि किसके लिए कहा था। इसी तरह फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना को रेडियो पर बत्रा को धमकाते हुए दिखलाई गई है। बत्रा ने खुद जो है खराब दत्त के साथ जो है अपने प्रसिद्ध जो है सशस्त्र कार में इसे याद करते हुए कहा, ओ शेरशाह आप आए हैं, ऊपर आने की कोशिश मत करिएगा वरना मारे जाइएगा, कठिन समय आपके लिए हो जाएगा। यही थी वो समय जब उन्होंने हमें दिखाया था कि चुनौती और मेरे दोस्त कैसे यानी कि जंगली हो गए थे। फिल्म में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय यानी कि भारतीय माधुरी दीक्षित को देने के लिए कहते हुए दिखलाई गई है। यूनिट में सेना देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 5140 पर कब्जा करने के बाद बत्रा को चीमा को कॉल करने के लिए एक पत्रकार के सैटेलाइट फोन का उपयोग करते हुए दिखलाई गई है। वास्तव में उसने एक सैटेलाइट फोन उधार लिया था, लेकिन उसके बजाय उसने अपने पिता को फोन किया था। उनके अधूरे संदेश यानी कि डैडी आई हैव के साथ जो है कैप्चर को शुद्ध में उनके कब्जा के संदेश के रूप में गलत जो है समझाई गई थी। 4875 पर चढ़ते समय बत्रा को एक बंकर पर हमला करते हुए दिखलाया गया है और अकेले ही 3 यानी कि दुश्मन सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराए हैं। हालांकि वास्तव में उसने दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया था और ऐसा करते हुए कई जो है यानी कि उसको चोटें लग गई। फिल्म के विपरीत जो है यानी कि स्नाइपर की चपेट में आने के बाद बत्रा की तुरंत मृत्यु हो गई और अपने आदमियों को इस बिंदु पर कब्जा करते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहे। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं ध्वज लहराने जीत करते हैं, वहाँ पे विक्रम बत्रा की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अधूरे सपने जो है पूरे नहीं होते हैं उनके मौत से पहले। मौत के बाद तो पूरे हो जाते हैं लेकिन मौत से पहले नहीं होते हैं। इसी तरह बता दोस्तों, करण जौहर ने साल 2018 में पुष्टि की थी कि वह कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर एक बायोपिक का निर्माण करेंगे। बत्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बत्रा का किरदार निभाए। अंततः उन्हें बत्रा और उनके जो है समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका निभाने के लिए चुना गया फिल्म के लिए। इसी तरह कियारा आडवाणी को कास्ट करने से पहले विक्रम बत्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई बार जो है यानी कि कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने जो है यानी कि अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था। फिल्म की आधिकारिक जो है घोषणा से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि शेर जो है कि मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन इसको बदलकर शेरशाह रख दी गई। फिल्म की आधिकारिक तौर पर 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, जिसका शीर्षक पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान जो है चंडीगढ़ में रखे गए थे। इसी के साथ जो है 7 मई 2019 को शुरू हुई थी फिल्म और फिल्म 12 जनवरी 2020 को लपेट ली गई थी। पैच वर्क शॉट जो है 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। इसी के साथ जो है फिल्म में दिखाए गए गीतों को तनिष्क बागची बी पार्क जो है जसलीन रॉयल धारा जावेद मोहसिन और विक्रम मोटोज धारा संगीतबद्ध किया गया था। इसके बोल मनोज मुंतीसर एंड रश्मीर बिराग जो है यानी कि अनबीत दत्त जानी और बागची के लिखे हुए थे। जॉन स्टीवन के साथ एडोरी ने फिल्म के स्कोर की रचना की थी, जो 16 अगस्त 2021 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था। इसी तरह बता दें दोस्तों, फिल्म रिलीज होने के बाद मूवी को बहुत ही अच्छा रिव्यू मिली थी, क्योंकि रिलीज होने पर शेरशाह फिल्म को फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने मल्होत्रा के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ने फिल्म के लेखन की आलोचना भी किए थे। रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 13 समीक्षकों के आधार पर 54 रेटिंग दिए गए थे। इसी के साथ बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने शेरशाह फिल्म को पावर पैक फिल्म कहते हुए 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी और लिखा है, शेरशाह फिल्म कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा एन प्रेरणादायक है। और आपको बता दें, इस मूवी की भावनात्मक की वीरता शेरशाह के साथ जो है साहस और बहादुरी को सलाम करती है। इसी तरह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक गेम चेंजर कमांडिंग के साथ एक जो है यानी कि अस्वीकार्य निर्देशक जो है यानी कि विष्णुवर्धन शेरशाह की कहानी को अत्यंत जो है यानी कि योग्यता के साथ बताते हैं। इसके साथ जो है पटकथा लेखन अधिक कांजो भागों के लिए और शस के साथ युद्ध के दृश्यों को उत्कर्ष के साथ जो निष्पादित किया जाता है। इसी तरह फिनाले निश्चिंत रूप से आपको नम कर देंगे और फर्स्ट पोज के
अन्ना एमएमवेटी कैट ने फिल्म को 5.75 स्टार दिए और कैप्टन विक्रम बात्रा की बायोपिक जो है ईद के साथ ग्रिपिंग एज आर्मी एंड साथ ही प्रोसीजर के साथ इसे जो है कपूर एंड सन्स के बाद मल्होत्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाई गई है और ये कहा गया था कि विष्णुवर्धन को इससे अधिक जो है इनके उपयोग दे मुख्य धारा का स्टार नहीं मिल सकता था। भारत के पसंदीदा युद्ध जो है नायकों में से एक को याद करने में उनके साथ जो है शामिल होने के लिए एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने मल्होत्रा को यह कहते हुए सुना था और इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए कि बात्रा को दर्शाती है कि एक साथ जो है चित्रित करने के लिए उसके पास क्या रखी गई है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सिनेमा की मार्ग जो है इनकी क्षमता और इस फिल्म की चमक जो है पत्थर शेरशाह को एक युद्ध नाटक के रूप में और भी अधिक और भी आगे ले जाती है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है, फिल्म की भदी यानी कि संरचना इसे जो है तनाव या फिर पकड़ बनाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद दूसरे घंटे में ये जीवंत तो हो जाती है कि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार देते हुए कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में न तो एक युद्ध फिल्म में निहित है या फिर आवश्यक जो है नाटक रखी गई है, ये देशभक्ति के रोंगटे खड़े कर देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखक रोहन नेहरा ने पटकथा की प्रशंसा की लेकिन दिशा की आलोचना करते हुए कहा कि स्मार्ट कोरियोग्राफर की गई है, कार्रवाई एक जो है कि उनके साथ यानी कि पूर्ण ईश्वर है जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का ईमानदार प्रदर्शन जो है विष्णुवर्धन की असमान दिशा के लिए नहीं बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे और ये मूवी एक सुपरहिट फिल्म है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस मूवी को 12 अगस्त 2021 को रिलीज़ किया गया था और ये मूवी काफ़ी बेहतरीन फिल्म है। दोस्तों, ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पर किसी भी कंपनी ने इस मूवीज़ को अपलोड नहीं किया है और मैं भी इस फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी को रिव्यू कर रहा हूं। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में मैं बता रहा हूं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बातें करें, पब्लिक ने इस फिल्म को कितना रिस्पॉन्स दिया है और ये मूवी की IMDb रेटिंग कितनी है। दोस्तों, इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बातें करें तो 8.1 का IMDb रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है। इस मूवी को Amazon Prime Video में रिलीज किया गया था। ये मूवी आपको Amazon Prime Video में अभी भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेके इस फिल्म को देखना होगा। इस मूवी को मई 2019 में घोषणा की गई थी। प्रमुख फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी। जनवरी 2020 में इस मूवी की शूटिंग समाप्त हो चुकी थी और शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था और इस मूवी को डेट को जो है रोक दिया गया। अब 2021 में इस मूवी को रिलीज किया गया। 12 अगस्त 2021 को इस मूवी को रिलीज करने के बाद दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा सराहा था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स में मिले थे। 2021 को Amazon Prime Video पर यह मूवी रिलीज हुआ था। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली अच्छी समीक्षा मिली जिन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्रदर्शन को और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की थी, लेकिन फिल्म के लेखन की आलोचना की थी। और 31 अगस्त 2021 को Amazon Prime ने कहा कि शेरशाह मूवी मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी उस वक्त की। अब करण जौहर ने 2018 में यह पुष्टि की कि वह जो है कैप्टन विक्रम बात्रा के जीवन पर एक बायोपिक का निर्माण करेंगे। बात्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस किरदार को निभाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा बात्रा का किरदार निभाए। अंततः उन्हें बात्रा और के समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और कियारा आडवाणी को कास्ट करने से पहले ही बात्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी, लेकिन मल्होत्रा ने अप्रैल 2019 में ये घोषणा की और साथ ही सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया और फिल्म की आधिकारिक घोषणा से पहले ही यह अनुमान लगाया गया था कि शीर्षक यानी कि मेरा दिल मांगे मोर यानी कि होगा, लेकिन बाद में इसे जो है बदलकर शेरशाह दिया गया था।
इस मूवीज़ का नाम चेंज करके शेरशाह रख दिया गया और फिल्म की आधिकारिक तौर पर जो है 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, जिसके शीर्षक की पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान चंडीगढ़ में फिल्म आए गए थे और साथ ही उनके साथ जो है पालमपुर, कारगिल, लद्दाख जैसे शहरों में इस मूवीज़ की शूटिंग की गई थी। और इस मूवी की शूटिंग सबसे पहले 7 मई को शुरू हुई थी जो 12 जनवरी 2020 को पूरी हुई और साथ ही पिक्चर को शॉर्ट 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे किए गए थे। दोस्तों शेरशाह मूवी की रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म को 12 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं और इस वीडियो में हम इस मूवी की रिव्यू, रेटिंग और इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म की पब्लिक रिव्यू, रेटिंग के बारे में हम बातें करें तो पब्लिक ने इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस फिल्म का संगीत जो है तनिष्क बागची की बैनर के तहत बनाया गया है। तनिष्क बागची की प्राक और साथ ही उनके साथ जो है जसलीन रॉयल और जावेद मोहसिन द्वारा लिखे गए हैं और विक्रम मोटर्स ने इस मूवी को गाने को तैयार किया जिसके बोल मनोज मुंतशिर ने गाए हैं। साथ ही अनविता दत्त जानी और तनिष्क बागची ने लिखे हैं फिल्म का संगीत। एल्बम वर्ष का सबसे सफल भारतीय एल्बम था और यह गाना 2021 का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बन गया था जिसने सभी संगीत प्लेटफॉर्म में 1 अरब और साथ ही धाराओं को पार कर लिया था। इस फिल्म के गीत को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं जो 2018 में रिलीज हुई थी बी प्राग के एकल मन और साथ ही भार्या का साथ ही मनोरंजन था। गीत को बी प्राग द्वारा गाया गया था और संगीत के साथ जो है उनके साथ उरीगल गीत की एक ही टीम द्वारा फिर से जो है बनाया गया था और जानी द्वारा लिखित और साथ ही संगीतबद्ध किया गया था। फिल्म 3 जुलाई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली मूवी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस फिल्म को रिलीज करने में देरी हुई थी और 20 फरवरी 2021 को फिर से स्थगित होने से पहले 2 जुलाई 2021 के रूप में नई रिलीज की तारीख की घोषणा की गई थी। फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा कि उनके साथ शेरशाह मूवी मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय मूवी बन गई है। फिल्म को दर्शकों द्वारा 4,100 से अधिक भारतीय शहरों और कस्बों और 210 देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग किया गया था। रिलीज होने से पहले ही शेरशाह फिल्म को फिल्म समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने मल्होत्रा के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की थी लेकिन इस फिल्म के लेखन की आलोचना की गई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर फिल्म को वर्तमान में 13 समीक्षाओं के आधार पर 54 की रेटिंग दिया गया था, 5.2 की रेटिंग दी गई थी और बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। शेरशाह फिल्म को पावर पैक कहा है और लिखा है कि शेरशाह मूवी कारगिल युद्ध के नायक और साथ ही कैप्टन विक्रम बात्रा के जीवन के ऊपर बनाया गया है जो कि प्रेरणादायक है और भावनात्मक की वीरता शेरशाह मूवी और साथ ही साहस और बहादुरी को सलाम करता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक गेम चेंजर कमांडिंग एक्ट और साथ ही अस्वीकार किया गया है। इस फिल्म को दर्शक और साथ ही विष्णुवर्धन शेरशाह की कहानी को अत्यंत और साथ ही योग्यता के साथ बताते हैं। पटकथा लेखन और साथ ही अधिकांश भागों के लिए सबसे ज़्यादा और साथ ही अवशेषित किए गए हैं। युद्ध के दृश्यों को उत्कर्ष के साथ जो है निष्पादित किया गया है। फिल्म इस मूवी को और साथ ही फिनाले निश्चित रूप से आपके नम पर देगा जो कि फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम और साथ ही वेटिकर ने इस फिल्म को 5 में 2.75 की रेटिंग दिया है और कैप्टन विक्रम बात्रा की बायोपिक इंज और साथ ही ग्रीपिंग एंज उनके साथ आर्मी और साथ ही प्रोसीजर इसे जो है कपूर एंड सन्स के बाद मल्होत्रा सर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में मूवी उभरे थे और यह और कि विष्णुवर्धन सर को अधिक और साथ उपयुक्त और साथ मुख्य धारा नहीं मिली थी और भारत के साथ ही पसंदीदा युद्ध नायकों में से एक के उनके साथ जो इस माकर में शामिल होने के लिए स्टार और साथ ही NDTV के सैबल चटर्जी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को यह कहते हुए 2.5 स्टार की रेटिंग दी है और बात्रा सर को उनके साथ जो दक्षता के साथ चित्रित करने के लिए उनके साथ और पास किया गया था।
और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सिनेमा की मारक क्षमता और साथ ही उनके साथ जो है चकमक पत्थर शेरशाह फिल्म को युद्ध नाटक के रूप में और भी अधिक और भी आगे ले जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसे 2021 को रिलीज किया गया था। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इस फिल्म की कहानी को विष्णु वर्धन सर ने लिखे हैं और संदीप श्रीवास्तव ने इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं और संदीप श्रीवास्तव ने इस फिल्म की कहानी को लिखे हैं। कैप्टन विक्रम बात्रा के ऊपर इस मूवी की कहानी को लिखा गया है। दोस्तों कैप्टन विक्रम सर के बारे में हम बातें कर तो इन्होंने कारगिल जंग में शामिल हुए थे। इनकी जन्म के बारे में बातें कर तो 9 सितंबर 1974 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों कैप्टन विक्रम बात्रा सर के रियल लाइफ को भी इस वीडियो में हम बताएंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। विक्रम बात्रा सर का जन्म सितंबर 9 को हुआ था। 1974 को हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका पालनपुर के एक छोटे से शहर में ये रहते थे। वहाँ पर सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और साथ ही गिरधारी लाल बात्रा और स्कूल शिक्षक कमल कांता बात्रा की तीसरी संतान है। वह जुड़वा बेटों में सबसे बड़े हैं और विशाल नाम के अपने भाई से उनके साथ 14 मिनट पहले ये पैदा हुए थे। जुड़वा बच्चों को उप नाम दिया गया था और विक्रम और कुश यानी कि विशाल हिंदू देवता राम के जुड़वा बेटों के बाद जो है उनकी माधारा जो राम की एक कथित भक्त थी। उनकी दो बहनें थी सीमा और नूतन। एक छोटे बच्चे के रूप में बात्रा सर ने अपनी साथी प्राथमिक शिक्षा अपनी मां के संरक्षा में प्राप्त की थी और फिर उन्होंने उनके साथ जो है DAB भाग लिया था। साथ ही पालनपुर में पब्लिक स्कूल में जहाँ उन्होंने माध्यम स्तर पर पढ़ाई की थी उन्होंने अपनी वरिष्ठ और साथ ही उनके साथ जो है माध्यमिक शिक्षा उनके साथ जो सेंट्रल स्कूल साथ ही पालनपुर में प्राप्त इन्होंने की थी। अपनी एकेडमी और साथ ही उत्कृष्टता के अलावा बात्रा सर ने दिल्ली में युवा साथ ही संसदीय और प्रतियोगिताओं के दौरान खेल खेले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। उन्होंने टेबल और साथ ही टेनिस कराटे और इसी तरह के अन्य खेलों में अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। 1990 में उन्होंने और उनके जुड़वा भाई ने अखिल भारतीय और साथ ही KBS ने और साथ ही नेशनल्स में उन्होंने टेबल और साथ ही टेनिस में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। वह कराटे में एक ग्रीन बेल्ट और साथ ही धारक भी थे और वह जो है मनाली में एक राष्ट्रीय स्तर के साथ ही शिविर उनके साथ जो शिविर में भाग भी लिए थे। 1992 में सेंट्रल स्कूल में साथ ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरी करने के बाद उन्होंने BSc और साथ ही मेडिकल साइंस में DAV कॉलेज में चंडीगढ़ में भाग लिया था और कॉलेज में वह राष्ट्रीय और साथ ही कैडेट कोर और साथ ही NCC के एयर विंग में शामिल हुए थे। जब वह अपने पहले वर्ष में अंतर और साथ ही राजसीन और साथ ही NCC शिविर के दौरान उन्हें उत्तरी क्षेत्र में पंजाब और साथ ही निदेशालय का सर्वश्रेष्ठ और साथ ही NCC एयर विंग और साथ ही कैडेट चुना गया था, तो चंडीगढ़ से लगभग 35 और साथ ही किलोमीटर दूर और साथ ही पिंजौर एयरफील्ड और उनके साथ जो है फ्लाइंग क्लब ने उनकी जो है NCC एयर विंग यूनिट के साथ जो है उनका चयन किया गया था। साथ ही दिवसीय और साथ ही पैराटू पिंग प्रशिक्षण भी लिया गया था। DAV में अगले 2 वर्षों के दौरान वह NCC के आर्मी विंग के कैडेट रहे थे और इसके अलावा वह अपने कॉलेज में यूथ और साथ ही सर्विस क्लब में भी इन्होंने काम किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को। इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। शेरशाह फिल्म को 12 अगस्त 2021 को Amazon वीडियो में इस मूवीज़ को रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले हैं और इस मूवी को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था। दोस्तों इस फिल्म की रिव्यू रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली है और ये मूवी एक रियल कहानी पे बेस्ड है। इस फिल्म की कहानी विक्रम बात्रा सर के ऊपर बनाया गया है जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस फिल्म में विक्रम बात्रा के किरदार को निभाए हैं। बाद में उन्होंने NCC में प्रमाण पत्र के लिए उनके साथ जो है अर्हता प्राप्त की और अपनी NCC इकाई में वरिष्ठ अवर और अधिकारी का पद प्राप्त किया था। इसके बाद 1994 में उन्हें NCC और साथ ही कैडेट के रूप में चुना गया था और साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में भाग इन्होंने लिया था। और जब वह यानी कि घर वापस आए तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वह जो है सेना में शामिल होना चाहते हैं। अब विक्रम बात्रा अपने माता पिता से सलाह लिए और उनको बताया कि वो सेना में जाना चाहते हैं। उनके नाना भी भारतीय सेना में एक सिपाही थे। 1995 में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने साथ ही हांगकॉन्ग में मुख्यालय वाली एक शिपिंग कंपनी में साथ ही मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था।
लेकिन अंततः उन्होंने अपनी माँ से यह कहते हुए कहा कि यह कहते हुए वह जो है यानी कि अपनाना जो है यानी कि मन बदल लिया था और जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है, जीवन कुछ महान कुछ और असाधारण जो मेरे देश में प्रसिद्ध ला सकता है। उसी वर्ष उन्होंने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से स्नातक की डिग्री पूरी की थी और 1995 में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जहां उन्होंने MA और साथ ही अंग्रेजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था ताकि वह संयुक्त रक्षा सेवा कर सके और CDS परीक्षा की तैयारी भी कर सके। उन्होंने विश्वविद्यालय में शाम की कक्षाओं में भाग लिया था और सुबह असंकालिक रूप से चंडीगढ़ में एक यानी कि ट्रेवल एजेंसी के शाखा प्रबंधक के रूप में इन्होंने काम किया था। 1996 में उन्होंने CDS परीक्षा उनके साथ जो है उत्तीर्ण की और बाद में उन्हें जो है यानी कि इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड और साथ ही SSP में एक यानी कि सजाता कार्य के लिए बुलाया गया था और उनका चयन किया गया था। वह जो है ऑर्डर ऑफ यानी कि मेरिट में शीर्ष 35 उम्मीदवार में शामिल थे। अंग्रेजी में MA की डिग्री हासिल के बाद डिग्री हासिल के लिए एक वर्ष सत्र 1995 से लेकर 96 तक इन्होंने पूरा करने के बाद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम शेरशाह फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी की हीरो के बारे में बातें कर रहे हैं जो कि इस फिल्म के हीरो का नाम है विक्रम बत्रा जिन्होंने कारगिल जंग को अकेले ही जीत दिलाई थी और इनकी बहादुरी इस फिल्म में शामिल है और इनकी बहादुरी को हिंदुस्तान अभी भी सलाम करता है। दोस्तों अगर आप लोग को विक्रम बत्रा की ये बहादुरी पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसे 12 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं और ये मूवी एक बेहतरीन सफलता फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की। अब बत्रा सर जून 1996 में मनेकस और साथ ही बटालियन में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी इमा में शामिल हो चुके। अपना 19 महीने का परीक्षण और साथ ही पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को IIM से साथ ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्हें जम्मू कश्मीर में और साथ ही राइफल की 13वीं और साथ ही बटालियन 13 जेक रीफ में का उनके साथ जो है कमीशन दिया गया था और साथ ही कमीशन के बाद उन्हें जो है साथ ही रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए साथ ही जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में भेजा गया था। परीक्षण के एक महीने तक चला था। दिसंबर 1997 से जनवरी 1998 के अंत तक जो है वो जो है यानी कि परीक्षण के पूरा होने पर उन्हें जो है अपनी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में किया गया था। साथ ही बारामूला जिले के सोपोर में इनको सबसे पहली पोस्टिंग मिली थी जो एक महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधि वाला क्षेत्र है। मार्च 1998 में ये माध्यम में हुई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश के महू में साथ ही इन्फैटी स्कूल भेजा गया था जहाँ युवा सेना अधिकारियों को युवा अधिकारी साथ ही पाठ्यक्रम में लिए और साथ ही प्रशिक्षित किए गए थे। यह प्रशिक्षण सितंबर 1998 तक 5 महीने तक चला था। पाठ्यक्रम पूरा करने और साथ ही अल्फा ग्रेडिंग से तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को YouTube पे देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पर इस फिल्म को किसी भी कंपनी ने इस मूवीज़ को अपलोड नहीं किया है। शेरशाह मूवी 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी यूथ फिल्म है जिसका निर्देशन विष्णु वर्धन सर ने अपने हिंदी फिल्म डेब्यू में किया है और इसे संदीप श्रीवास्तव ने लिखा है। फिल्म साथी परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन का अनुसरण करती है जो कि सेना में उनकी पहली पोस्टिंग से लेकर कारगिल युद्ध में उनकी मृत्यु तक की कहानी को बतलाया गया है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा और कियारा आडवाणी उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के रूप में दिखाई दी है और फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन और काश एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था जिसमें हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, शबीर उनके साथ जो है बक्सवाला, अजय शाह और साथ ही हिमांशु गांधी सह निर्मित थे।
मई 2019 में घोषित प्रमुख फोटोग्राफर उसी महीने में शुरू हुई थी और जनवरी 2020 में समाप्त हुई थी। शुरुआत में 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली मूवी थी। इस फिल्म को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली अच्छी समीक्षा मिली, जिन्होंने मल्होत्रा के प्रदर्शन को एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की थी, लेकिन फिल्म के लेखक की आलोचना भी की थी। और 31 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम ने कहा कि शेरशाह मूवी मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे और ऑडियंस ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। ये मूवी एक युवा विक्रम बात्रा क्रिकेट खेल रहे हैं जब वह एक यानी कि गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चों के साथ लड़ाई में पड़ जाता है। उस निडर और साथ ही स्वभाव का खुलासा करता है जिसके लिए वह बाद में जाना जाने लगा। और टीवी श्रृंखला और साथ ही परमवीर चक्रा ने उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। एक साथी असेंबल उनकी देशभक्ति और बड़े होने पर सेना में शामिल होने की उनकी इच्छा को दर्शाया जाता है। 23 साल की उम्र में वह जो है यानी कि डेल्टा कंपनी 30वीं और साथ ही बटियालन जम्मू और कश्मीर साथ ही जो है राइफल्स 13 जेक राइफल में कश्मीर प्राप्त करने यानी कि कर लेते हैं। और एक यानी कि उनके साथ जो है लेफ्टिनेंट के रूप में उनके साथ जो सुपुर में तैनात हो जाते हैं। हुआ अपने साथी जो है पुरुषों और स्थानीय लोगों दोनों के साथ साथी जो है सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करते हैं और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेते हैं। ऐसे ही एक यानी कि ऑपरेशन पर वह अपने साथी सीओ और साथी लेफ्टिनेंट संजीव जिमी उनके साथ जो है जमवाल की अवहेलना करते हैं, लेकिन अपराधियों को उनके साथ जो है बेअसर कर देते हैं और जिमी की जान बचा लेते हैं। जिमी उसके दृष्टिकोण को साथी जो है फटका लगाती है, लेकिन बाद में उसके करीब आ जाते हैं। वापस बेस पर बात्रा को अपनी प्रेमिका डिंपल चीमा से एक पत्र मिलता है। फिल्म 1995 में वापस आती है जब वह जो है बात्रा और डिंपल डेटिंग शुरू करते हैं। वह शादी करने का फैसला करते हैं, हालांकि डिंपल के पिता ने बात्रा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अलग अलग जातियों से संबंधित है। अपने पिता को खुश करने के लिए बात्रा ने अपने सेना के सपने को छोड़ देने और ऊंच यानी कि वेतन के लिए मर्चेंट नेवी में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि उसका दोस्त सनी उसे जो है अपना यानी कि सपना नहीं छोड़ने के लिए मना लेता है और साथ ही नतीजतन बात्रा और डिंपल अपने भविष्य को लेकर काफ़ी इसमें लड़ते हैं। दोस्तों इस फिल्म को 12 अगस्त 2021 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। इस फिल्म को अगर आप लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। अब ये फिल्म वर्तमान में चला जाता है जहां डेल्टा कंपनी एक विद्रोही समूह के गुर्गे को साथ जो है पकड़ती है, जहां प्रतिशोध में नेता हैदर डेल्टा कंपनी को हथियारों के कैश की बुद्धि से उनके साथ जो फुसला कर घात लगाता है। मारे गए लोगों में बात्रा का दोस्त उनके साथ जो है नयाब उनके साथ जो सूबेदार बंसी लाल भी शामिल है। साथ ही दर्दनाक और साथ ही जो है प्रतिशोधी वह हैदर को यानी कि ट्रैक करते हैं और एक यानी कि ऑपरेशन के लिए यूनिट के सीओ और साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी से उनके साथ जो है प्राधिकारी प्राप्त करना है। बात्रा सर के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर जो है छाप मारा जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद वह जो है छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि करगिल युद्ध शुरू होने वाली है। मई 1999 में पाकिस्तान के साथ ही रावली पंडी में जनरल परवेज यानी कि मुशरफ ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक आक्रामक कदम शुरू किया था और उनके साथ जो है जिनेवा और साथ ही कन्वेंशन और उनके साथ जो है शिमला समझौते का उल्लंघन भी करते हुए कारगिल में साथ ही पर्वत चोटियों पर जो है कब्जा करने की सैनिकों को भेजा। एक उनके साथ जो है संभावित युद्ध के बारे में खबर के रूप में बात्रा सर ने अपनी छुट्टी कम करने और लौटने का फैसला किया। वह सनी से अपना प्रसिद्ध साथी वादा करता है और वह जो है यानी कि जीत में भारतीय ध्वज और साथ ही उनके साथ जो है फहरा कर वापस आऊँगा या उसमें लिपट के आऊँगा। ये मूवी का
लाइन डायलॉग है। यूनिट को उनके साथ जो है घूमती और साथ ही जो है आर्मी बेस में एक उनके साथ जो है रिजर्व फोर्स के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही अन्य और साथ ही रेजिमेंट को भी उनके साथ जो है समायोजित करने और तैयार करने के लिए बेस और साथ ही उनके साथ जो है तोपखाने की आग की चपेट में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप बात्रा के वरिष्ठ और साथी मेजर अजय सिंह उनके साथ जो है जस रोटिया सहित कई लोग जो है यानी कि उनके साथ हताहत होते हैं। युद्ध के 3 हफ्ता बाद 30 जेक रीफ को दूसरी उनके साथ जो है राजपूत राणा उनके साथ जो है राइफल और 2 राज रीफ को जो है राहत देने के लिए इस क्रिया ड्यूटू में ले जाया जाता है। 17,000 की फिट पर साथी उनके साथ पॉइंट और 5,140 को पुनः प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। बात्रा को रेडियो संचार के लिए उनके साथ जो है कोड नेम और साथ ही शेरशाह और विजय संकेत ये दिल मांगे मेरो और साथ ही उनके साथ जो सौंपा गया है। जिमी और बात्रा अपनी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं और बिना उनके साथ जो है यानी कि हताहतों के पवाई 5,140 पर कब्जा कर लेते हैं। सेना और उनके साथ जो है जनता में प्रशंसा बटोरते हैं। बात्रा को उनके साथ जो है कप्तान के रूप में साथ ही पदोन्नत किया गया है और महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया जाता है। अब उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। प्रभावशाली जीत के बाद आर्मी कमांडर ने 13 जेक रीफ को पुवाई और 4,875 पर कब्जा करने का काम किया, जो कि राष्ट्रीय और साथ ही राजमार्ग 1 को जो है नज़रअंदाज करता है और लक्ष्मी उनके साथ जो है रूप से युद्ध को समाप्त कर देगा। अगले दिन वह जो है पुवाई 4,875 पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन उनके साथ जो है यानी कि उबड़ खड़ा इलाके और दुश्मन के कई यानी कि बंकरों के कारण जो है भारी हताहत होते हैं। साथ ही उनके साथ जो आखिरकार वह जो है 49 और साथ ही उनके साथ जो है बंकरों को नष्ट कर देते हैं जिनके बारे में वह जो है जानते हैं। पांचवें उनके साथ जो छलावरण वाले बंकर से उनके साथ जो है अनजान वह जो है भारी आग लगाते हैं और बात्रा उनके साथ जो है राइफल मैन और साथ ही यशापाल को बंकर में एक जो है पाकिस्तानी आरपीजी 7 को उपयोग करने के लिए कहते हैं। हालांकि एक उनके साथ जो स्नाइपर उसे गोली मारने से पहले मारता है और बात्रा उसे बचाने के लिए खुले मैदान में दौड़ता है और ऐसा उनके साथ जो सफलतापूर्वक करता है, लेकिन उनके साथ जो स्नाइपर और AK-47 दोनों राउंड से कई बार जो है मारा जाता है। जैसे ही वह गिर जाता है वह देखता है कि सूबेदार उनके साथ जो है रघुनाथ सिंह अंतिम बंकर पर जो है यानी कि कमान संभालते हैं। जब पुरुष और साथी विजय में भारतीय ध्वज फहराते हुए नजर आते हैं तो वह झुक जाते हैं और साथ ही पॉइंट 4,875 पर उनके कार्यों के लिए उन्हें जो है यानी कि मरणोपरांत और साथ ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अंत तक उनके जहाज जो है यानी कि पालमपुर में उनके अंतिम संस्करण और साथ ही एक यानी कि व्याकुल टिम्पल को दर्शाते हैं और साथ ही क्रेडिट में असली विक्रम बात्रा को भी भेज दिया जाता है। करण जौहर ने 2018 में यह पुष्टि की कि वह कैप्टन विक्रम बात्रा के जीवन पर एक बायोपिक का निर्माण करेंगे। बात्रा सर और साथ ही परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बात्रा के किरदार निभाएंगे और अंततः उन्हें जो है बात्रा और उनके समान जो है जुड़वा भाई और साथ ही विशाल की दोहरी भूमिका निभा के इस फिल्म के लिए चुना गया था। और कियारा आडवाणी को कास्ट करने से पहले ही बात्रा सर की मंगेतर डिम्पल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी और मल्होत्रा ने अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था और फिल्म की आधिकारिक घोषणा से पहले ही यह जो है अनुमान लगाया गया था कि शीर्षक मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन बाद में इसे जो है बदलकर शीर्षक कर दिया गया और फिल्म के आधिकारिक तौर पर जो है 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, जिसके शीर्षक की पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान चंडीगढ़ और साथ ही पालनपुर कारगिल लद्दाख और कश्मीर घाटी में शुरू हुआ था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 7 मई को शुरू हुई थी और फिल्म 12 जनवरी 2020 को पूरा हो चुकी थी। जो संस्कृति खेल और सामाजिक जो है जीवन पर छात्रों को देखते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म और प्रतियोगिता शुरू की थी। शीर्ष 8 जो है यानी कि फाइनल लिस्ट ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। निर्माता ने एक विशेष जो है यानी कि फेडेक्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की घोषणा करते हुए साथियों फेडेक्स और एक्सप्रेस में उनके साथ जो है काम किया था और भागीदारी की थी और साथ ही
इंडेक्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी जो है अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसका जो है उद्देश्य भारत में विदेशों में और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए था। ये जीवनी मूवी है दीवानी के साथ ही सैटेलाइट अधिकार जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 5 करोड़ में यानी कि यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 6.6 मिलियन में बेचे गए थे। संगीत के अधिकार जो है सोनी म्यूजिक को दिए गए थे जो 7 करोड़ में बेचे गए थे। दोस्तों आपको बता दें हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये तो आप लोग को पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी को रिव्यू करता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ही बतला पाता हूँ। फ्रेंड अगर आप लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनिंग को लेकर हाजिर हो चुके हैं और फिल्म से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को भी बतला रहे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा अच्छी मिली है। अभिनय में इस फिल्म के बारे में हम बात करें तो निर्देशित प्रशांत मिली व्यवस्थिका के कारण जो है पहला, साथ ही पलायन के रूप में कहानी की व्यापक रूप से आलोचना भी की गई थी। बॉलीवुड हंगामे के तरण आदर्श ने इसे 4.5 स्टार देते हुए कहा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी एक प्रेम कहानी मूवी है जो दबे हुए और कुचले हुए रास्ते पर चलती है, लेकिन साथ ही जो है केजो बुद्धि और स्वाद के साथ जो है एक जो है कारगिल फिल्म है। और यह मूवी जो है सुनिश्चित करती है कि स्क्रिप्ट को जो है यानी कि परिस्थिति और साथ ही उनके साथ जो है आधुनिक बनाया जा सके, और ऐसा उत्साह है कि यह दर्शक की बुद्धि या बुद्धि को ठेस नहीं पहुंचाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह फिल्म एक जो है कि पलानवादी मूवी है और सिनेमा में देखने लायक फिल्म है। यह सबसे अच्छा जो है मनोरंजन करता मूवी है, और साथ ही कोमल नेहटा ने इसे जो है 4.5 की रेटिंग दिया और इसे जो है सर्वोच्च और मनोरंजन कहा था। फिल्म फेयर के रायता टंडन ने इसे 4.5 स्टार देते हुए कहा कि दुनिया असली मूवी और साथ ही शानदार है, फिर भी इसमें जो है ऐसे छंद रखे गए हैं जो आपको जो है यानी कि वास्तविकता में वापस लाएंगे और आपके दिल के जो है यानी कि लंड को गर्म कर देते हैं, और यह जो है अपने और सबसे अच्छे जो है रूप में साथ ही उनके साथ जो है पलानवाद किया गया मूवी है। राजीव CNN IBN के मंसद ने कहा है इस फिल्म को 3.5 की रेटिंग दिया है, और उन्होंने लिखा है एक तरफ जो है नाइट पिंकिंग मूवी है और यह जो है निर्देशक द्वारा एक मनोरंजन करता फिल्म है, और फिल्म में काफ़ी अच्छे सीन देखने को मिलते हैं। आपने जो है इनकी स्लिप को जानते हैं, और उन्होंने टिप्पणी की कि यदि जो है मज़ा वही है जो आप जो है खोज रहे तो आप जो है निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए हिंदुस्तान टाइम की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, वह करण जौहर है और साथ ही सुंदर लोगों और महंगी चीज़ों से भरी हुई काल्पनिक दुनिया बनाते हैं, और फिर भी जो है उन्हें उस जो है इनकी भावनाओं में साथ ही लंगर डालते हैं। उनकी फिल्में जो है इनकी डिजाइन पोर्न और साथ ही जो है साबुन दोनों के रूप में काम करती हैं, और साथ ही ओपेरा उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। और NDTV की सेवल चटर्जी ने फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग दी और टिप्पणी किया है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में निश्चित रूप से वर्ष की फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जो है मनोरंजन को चमकदार करते हैं और लेकिन उनके साथ जो है गुद्देदार और साथ ही जो है यानी कि परोशान करते हैं तो ये मूवी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, उनका ये कहना है। जी न्यूज 18 का ये कहना है कि फिल्म को 2.5 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म केवल जो है नवोदित कलाकार के लिए देखने लायक है, उन्होंने एक ऐसी फिल्म में प्रशंसनीय भूमिकाएँ निभाने का कठिन काम पूरा किया है जो कि उनके साथ अभाव से ग्रस्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों अब इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, ये मूवी वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन किया है आपको बता दें। मूवी जितनी ही ज़्यादा कमाई करता है फिल्म को उतनी ही अच्छी रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर अभी देखना चाहते हैं तो आप लोग इस मूवी को अभी यूट्यूब पर नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को आलोचकों से संदेह था। इसके अतिरिक्त इतने जो है मुख्य भूमिकाओं में नवोदित कलाकारों की भूमिका निभाई थी और इसका बजट जो है बहुत अधिक था। हालांकि यह फिल्म जो है बॉलीवुड में मुख्य धारा के अभिनेता को अभिनीत नहीं करते हुए सबसे जो है बड़ी ओपनर बन गई थी, और पहले हफ्ता में ही निर्माताओं और साथ ही वितरकों दोनों के लाभ के लिए जो है व्यापार की उम्मीदों का पार कर गई थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी ने अपने शुरुआती दिन में 7.8
48 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इसे यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 980,000 के डॉलर में कमाई की थी और ये अच्छी शुरुआत थी मूवी की। इसने अपने दूसरे दिन जो है बुध वृद्धि दिखाई दिए थे और 8.50 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और इन पैसों को यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.1 मिलियन का संग्रह किया था और इसने अपने पहले हफ्ते के अंत तक जो है 43.1 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया था जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 5.7 मिलियन का एक तरह कर लिए थे। इसके दूसरे और तीसरे हफ्ता में गिरावट आई थी जहां इसने तीन हफ्ता में कुल जो है 63.3 करोड़ की कमाई किया था और यूएसए में कन्वर्ट किया तो 8.3 मिलियन बनाने के लिए क्रमश जो है 14 करोड़ तक जो है इस फिल्म ने कमाई किए थे और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 1.8 मिलियन की कमाई किया था। इसी तरह ये मूवी जो है 3.25 करोड़ जो है कमाया था और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4,30,000 एक तरह इसने किए थे बाहर विदेशों से। एशियन ऑफ द ईयर मूवी ने लगभग जो है 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संग्रह किया। इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 300 स्क्रीनों पर रिलीज के लिए खराब प्रदर्शन माना था। फिल्म दूसरे हफ्ता में अधिकांश बाजारों में गिर गई थी और विदेशी बाजारों में करीब जो है 3 मिलियन डॉलर जो है बन गए थे और इतनी कमाई इस फिल्म ने किया है और साल का ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ था। दोस्तों आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये आप लोगों को पता है। फ्रेंड अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं इस फिल्म को आप कहां से देख सकते हैं, तो वीडियो में प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म को देखा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेट देना चाहते हैं। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है मानसिक रूप से बीमार सिन जो है टेरेसा से, जो हाई स्कूल के पूर्व डीन है योगेंद्र योगी जो है वरिष्ठ अपने अंतिम बैच के छात्रों को देखने का अनुरोध करते हैं और उनमें से कुछ उससे जो है मिलने आते हैं और जीवंत डीन के बीमार होने के लिए खुद को जो है जिम्मेदार मानते हैं और फिल्म फिर जो है यानी कि 10 साल पहले एक फ्लैश बैक में सेट में चला जाता है। जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो फिल्म जो है 10 साल पहले फ्लैश बैक में चलने लगता है। रोहन ने यहाँ पे नंदा स्कूल में एक सुंदर जो है लोकप्रिय लड़का है और इसके जो है इनकी ट्रस्टी टाइकून अशोक जो है नंदा का बेटा है और अशोक चाहता है कि वह अपने बड़े बेटे अजय की तरह एक व्यवसायी बने और संगीत के प्रति जो है उसके जुनून को नापसंद करे और कॉलेज की एक जो है अमीर और बेहद जो है चर्चित लड़की सानिया सिंघानिया उसकी जो है गर्लफ्रेंड है और एक अन्य छात्रा तानिया इस रानी के साथ जो है उसकी लगातार जो है छेड़खानी होती है और उसकी दास्ता के कारण वह जो है असंतुष्ट है और महसूस करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह उसे यानी कि धोखा दे रहा है और अभिमन्यु सिंह एक जो है नया छात्र जल्द ही स्कूल के दिल की धड़कन बन जाता है। हुआ और साथी जो है आरओ शुरू में आपस में ही नहीं मिलते हैं लेकिन जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो उसे शानिया से मिलवाता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसके साथ ना यानी कि उलझे, लेकिन अभी कहता है कि उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है शानिया में। वो बतलाता है कि शानिया में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अजय की शादी में शानिया उसे तानिया के साथ छेड़खानी करते हुए देखती है और खुद को जो है ठगा हुआ महसूस करती है। बदले में वह खुले तौर पर अभी के साथ जो है फ्लर्ट करती है जिसने उसे रो को इशारा करने के लिए सुझाव दिया था। समय के साथ अभी को पता चलता है कि वह भी सानिया से प्यार करता है। इसी बीच स्कूल में वापस स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है प्रतियोगिता शुरू होती है। इसमें पहले दौर में एक जो है यानी कि प्रश्नोत्तरी परीक्षा, एक जो है इनकी खजाने की खोज और एक नृत्य लड़ाई होती है। अभी की दादी की मृत्यु के बाद जो है सानिया उसे सामना करने में मदद करती है और उसे प्रति जो है आकर्षित जो है महसूस करती है और वह एक चुंबन साझा करते हैं। साथ ही आरओ यह देखता है कि इसके परिणामस्वरूप जो है उसके और अभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। दोस्तों पहले तो ये दोनों आपस में दोस्त रहते हैं लेकिन एक ही लड़की से प्यार करने के बाद दोनों को आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अपनी दोस्ती को भूलना पड़ता है और दोनों आपस में झगड़ भी जाते हैं। इस फिल्म में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे।
प्रतियोगिता का अंतिम दौर जो है यानी कि ट्रायथलॉन है, अभी लीड में अंत के दौरान जो है धीमा हो जाता है और रो को जीतने देता है या जो है रो को प्रतियोगिता का विजेता बनाता है। और वो हालांकि व्यक्तिगत जो है कारणों का हवाला देते हुए पुरस्कार जो है स्वीकार करने से इनकार कर देता है। रोहन के पद छोड़ने के बाद जो है योगी को अभी एक जो है दोस्त और साथी कैजास सूडो को जो है उनके साथ बुलाता है और धारा भारी जो है इनकी फटकार जो है लगाई जाती है। साथ ही कैजास इसी बारे में बात करता है कैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है प्रतियोगिता में शुरू से ही जो है यानी कि धांगली की गई है और अपना भाषण जो है समाप्त करने के बाद वह जो है तूफान से बाहर निकलता है। यह योगी को अंततः जो है इनकी सेवानिवृत्त होने का कारण बनता है। छात्र जल्दी जो है स्नातक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है संपर्क खो देते हैं। वर्तमान में वापस जब योगी से मिलने आते हैं तो वह और साथी रो एक साथ जो है मिलते हैं और अभी एक दूसरे से मिलते हैं। सानिया ने अब जो है अभी से की शादी हुआ और जो है यानी कि आरो अब ने अतीत के बारे में बात करते हुए लड़ते हैं और पिछले 10 वर्षों में अपने जो है गुस्से को दूर करने के लिए होते हैं और अभी भी यानी कि ट्रायथलॉन के बारे में सच्चाई बताता है। और उसने देखा कि अशोक जो है आरो को हराते हुए देखकर जो है इनकी खुश था और इसीलिए उसने जो है इनकी जान बूझकर आरो को जीतने दिया और यह उसके कदम जो है अशोक को पार करने का उसका तरीका था। दोनों को एहसास होता है कि उनकी दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और सुलह हो जाता है और फिल्म दोनों के बीच एक दोस्ताना दौड़ के साथ जो है समाप्त होती है। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का भी मैंने रिव्यू किया है, अगर आप लोग उस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के बारे में 2011 को करण जौहर और शाहरुख खान दोनों ने ट्विटर पर इस फिल्म का पहला पोस्टर अपलोड किया था। यह फिल्म जो है निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट निर्देशित मूवी जो है, साथ ही डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, साथ ही करियोज ईरानी और सना के साथ ये मूवी पहली मूवी थी जो 1998 में कुछ होता है फिल्म एक बाल कलाकार के रूप में इन्होंने इस फिल्म में अभिनय की थी। मल्होत्रा और धवन ने पहले 2010 की फिल्म माई नेम इज़ खान के निर्माण के दौरान और करण जौहर के साथ जो है सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने काम किया था। पहला आधिकारिक ट्रेलर जो है 2 अगस्त 2012 को जारी किया गया था और जौहर ने बाद में ट्वीट किया कि फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज होगी। और फिल्मांकन के बारे में हम बात करें तो फिल्म के अधिकांश हिस्से की शूटिंग जो है कश्मीर और वन जो है अनुसंधान में स्थापित किया गया था। फिल्म के लिए ऑन जो है ग्राउंड प्रमोशन पार्टनर जो है टाटा मोटर्स ने अकेडमी संस्कृति खेल और सामाजिक जीवन पर छात्रों को देखते हुए नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी प्रतियोगिता शुरू कर दी थी। शीर्ष 8 जो यानी कि फाइनलिस्ट ने नैनो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के खिताब के लिए पर्ची संवर्धा किया था। निर्माता ने एक विशेष जो है इनके फेडेक्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की घोषणा करते हुए साथ ही फेडेक्स और एक्सप्रेस के साथ जो है भागीदारी की थी और फेडेक्स इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में विदेशों में और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तित्व के लिए था जो कि ये जवानी है दीवानी फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को 50 करोड़ में बेचे गए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 56 मिलियन में बेचे गए थे। संगीत के अधिकार जो है सोनी म्यूजिक को 7 करोड़ में बेचे गए थे। फ्रेंड इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी की कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है वरुण धवन, आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। इन तीनों एक्टरों ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं और इन तीनों का ये पहला मूवी है। इस फिल्म से इनको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिला है और इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे और ये बताएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और वरुण धवन को अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस फिल्म के निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने यानी कि अनंती घोम ट्रेड में जो यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्होंने ड्रामा फिल्म माई नेम इज़ खान मूवी 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में अपना काम शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के
करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की। वरुण धवन को 2012 और 2018 के बीच जो है लगातार जो है कि ग्रह बॉक्स ऑफिस जो है सफलताओं में चित्रित इनको किया गया है। वरुण धवन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मैत्र हीरो मूवी 2014, हमपति शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म 2017, एक्शन कॉमेडी फिल्म दिलवाले 2015 में, डिशम फिल्म 2016 में और जुड़वा 2 फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। 2017 में डांस फिल्म जो है एबीसीडी 2 फिल्म 2015 और ड्रामा फिल्म जो है सुविधागम में अभिनय किया है। 2018 में उन्होंने क्राइम थ्रिलर फिल्म जो है बदलापुर 2015 में एक बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली और एक जो है लक्ष्यहीन व्यक्ति ने अक्टूबर 2018 नाटक में हार का सामना करना पड़ा था। इन्हीं फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने तब से जो है पीरियड ड्रामा कलंक मूवी 2019 में और संगीत में फिल्म जो है एसटी डांसर 3D फिल्म 2020 के साथ साथ जो है अमेजन प्राइम वीडियो और कॉमेडी जो है ड्रामा कुली नंबर 1 फिल्म 2020 को प्रमुखता दी है, जिसमें से सभी आलोचनात्मक और व्यावसायिक और जो है व्यावसायिक सफलता फिल्म है उनके करियर को जो है बाधित करने वाली मूवी है। वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को हुआ था। डेविड धवन के घर में इनका जन्म हुआ था। फिल्म निर्देशक थे उनके पिता और वरुण धवन के घर में इनका जन्म हुआ। उनका परिवार जो है पंजाबी हिंदू से आता है। उनके बड़े भाई रोहित एक फिल्म निर्देशक है जो अपनी पहली फिल्म देसी बॉय के लिए जाने जाते हैं, जबकि उनके चाचा जो है अनिल एक अभिनेता है। उन्होंने HSC की शिक्षा HR कॉलेज से लिया था, साथ ही इकोनॉमिक से पूरी की थी और उनके पास जो है साथ ही सेंटिग्राम ट्रेड जो यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किया है। वरुण धवन ने अपनी अभिनय करियर से पहले उन्होंने फिल्म माय नेम इज खान 2010 में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में इन्होंने काम किया और 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में अभिनय किया और उसके बाद जो है इनका नाम जो है एक बॉलीवुड सितारा में जोड़ दिया गया। दोस्तों आपको बता दें वरुण धवन की अब तक जो है कई सारी फिल्में आ चुकी हैं और इनको जो है अभी तक काफ़ी ज़्यादा सफलता मिला है। इनकी कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप नहीं हुआ है, ये इनका रिकॉर्ड है। दोस्तों आपको बता दें इन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक फिल्में बनाई हैं। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वरुण धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्रामा स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में अस्वस्थ था, जो अपनी प्रेमिका सानिया आलिया भट्ट के साथ और सबसे अच्छे दोस्त जो है अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वर्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। बॉलीवुड हंगामा के फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने वरुण धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो कि मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है। और CNN IBN के राजीव मंसद ने कहा, यह वरुण धवन है जो एक जो है आत्मविश्वास आकर्षण मोड के साथ जो है खड़े होते हैं। दोनों हास्यपूर्ण अभिनेता से निपटने में सक्षम है और संवेदनशील दृश्य जो है आसानी से होता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी एक सफलता मूवी थी जिसने दुनिया भर में 109 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट करते तो 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रधानमंत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया था। अब स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद सह कलाकार आलिया भट्ट और मल्होत्रा के समान जो है जिनकी 2014 में उनसे पहले दूसरी रिलीज मूवी हुई थी, वरुण धवन को फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें से पहली रोमांटिक कॉमेडी मूवी मैं तेरा हीरो मूवी था जो 2014 में रिलीज हुई थी। तेलुगु फिल्म जो है कंडी रेगा का रिमेक है। इसे जो है बालाजी मोशन पिक्चर द्वारा निर्मित किया गया और उनके पिता डेविड द्वारा जो है निर्देशित किया गया था और उन्होंने श्रीनाथ सिनु प्रसाद की भूमिका निभाई थी, जो एक जो है इनकी तेज तरर बउआ है जो अपनी सच्ची प्रेम रुचि सुनैना साथी यानी गुराडिया के बीच एक प्रेम त्रिकोण में शामिल है। इलियाना डी क्रेस धारा जो है साथी निभाई गई और उसकी एक तरफा प्रेमी आयशा सिंघम एक खूंखार गैंगस्टर की बेटी रहती है। डॉन साथी नारगिस फाकरी धारा निभाई गई। फिल्म फेयर की रेन दीता टोंडन ने वरुण धवन की कॉमिक जो है टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना में गोविंदा और प्रभु देवा से की। यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन भारतीय रुपये की व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरा था। इसके बाद वरुण धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के के राकेश
की भूमिका निभाई थी, जो कि नवोदित लेखक निर्देशक जो है शशांक खेतन की रोमांटिक कॉमेडी हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में एक वेस्ट पंजाबी महिला के रूप में रोमांटिक जो है संबंध रखता है। ए स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी और नवोदित जो है यानी कि टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बाद दूसरी बार जो है आलिया भट्ट के साथ इन्होंने अभिनय किया था। हमपति शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में इन्होंने दूसरी बार आलिया भट्ट के साथ अभिनय किया और अभिनीत फिल्म जो कि करण जौहर धारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 के लिए एक जो है श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और ब्लॉकबस्टर में संक्षिप्त रूप से आए थे और इंडिया टुडे के रोहित खिलनानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंड की नंदिनी रामनाथ ने उल्लेख किया है कि वह फिल्म के कुछ शांत यानी कि दृश्यों में कितने अलग लग रहे थे और हमपति शर्मा की दुल्हनिया दुनिया भर में 1.11 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 15 मिलियन की कमाई करते हुए वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गया था। अब अगली बार वरुण धवन ने क्राइम थ्रिलर बदलापुर फिल्म में अभिनय किया, जिसे 2015 में निर्देशक श्री राम राघवन ने वरुण धवन को पुणे में एक व्यक्ति राघव रघु के रूप में जो है पुरोहित की थी भूमिका निभाते हुए देखा, जो कि 15 वर्षों के दौरान अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का बदला एक जो है डकैती गलत तरीके से लेता है। वरुण धवन फिल्म में रघु को चित्रित करना वरुण धवन के लिए एक जो है भयानक अनुभव था, जो कि उनके साथ जो है अवसाद में फिल्म आया गया था और फिसल गया था, क्योंकि एक बिंदु के बाद से ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी फिल्म में अभिनय कर रहा हूँ। Rediff.com के राजा सेन ने उनके अभिनय क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अपने सहज आकर्षक यानी कि आकर्षण को छेड़ देता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अपने जो यानी कि थोड़ी सी असहज जो यानी कि प्रकृति सामना करता है और ज्वालामुखी से साथी जो है बुलबुले उड़ते हैं। उनकी आंखें अक्सर जो है यह बात कर रही होती है कि वह उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जो है मिला। बदलापुर ने दुनिया भर में 811 मिलियन से अधिक की भारतीय रुपए में कमाई किया था। वरुण धवन ने अगली बार श्रद्धा कपूर के साथ जो है बाल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई फिल्म में अभिनय किया था। अब वरुण धवन ने अगली बार श्रद्धा कपूर के साथ वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई म्यूजिकल डांस फिल्म ABCD एनी पड़ी कैन फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। अगली कड़ी में अभिनय किया, जिसका शीर्षक जो है डिज्नी की ABCD 2 है, जिसमें उन्होंने साथी किंगोस और यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक जो है सुरेश मुकुंद के वास्तविक जीवन के चरित्र को चित्रित किया था, जो कि एक नर्तक इंसान है मुंबई से, जिन्होंने 2012 विश्व हिप हॉप डांस जो है चैंपियनशिप में जीत हासिल किया था। साथ ही रायट टॉर्स के आलोचक जो है शिल्पा और साथ ही जाम खंडीकर ने इसी फीचर की आलोचना की थी। वरुण धवन को फिल्म की एकमात्र संपत्ति मानते हुए लिखा कि उनके द्वारा किए गए एक जो है यानी कि ईमानदार नोट को छोड़कर बाकी फिल्म सिर्फ जो है संगीत वीडियो का एक समूह हो सकता था। ABCD 2 ने दुनिया भर में 1.67 बिलियन से अधिक की कमाई किया एंड यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 22 मिलियन की कमाई इस फिल्म ने किया था। फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन ने बॉक्स ऑफिस इंडिया को इसी वरुण धवन की स्टार पावर के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया था। अंततः वह और कपूर अपने जो है कि समकालीनों में एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक जो है लाइव एक्शन डिज्नी फिल्म में अभिनय किया था। उसी वर्ष उनकी अंतिम उपस्थिति जो है रोहित शेट्टी की कलाकारों की मूवी की टुकड़ी थी, एक्शन ड्रामा मूवी दिलवाले में थी, जिसमें शाहरुख खान कजोल और कृति सनोन ने अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के चरित्र के छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ जो है सनोन ने प्रेम रुचि भी दिखाई थी और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा के बावजूद जो यह फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई थी, जिसने जो है दुनिया भर में 3.75 बिलियन से अधिक की कमाई किया देन यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 49 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। वरुण धवन की सबसे अच्छी कमाई करने वाला रिलीज मूवी और सबसे अधिक कमाई करने वाला बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गया था। और मई में 2016 में उन्होंने फिल्म कैप्टन अमेरिका साथ ही सिविल वार के लिए हिंदी में कैप्टन जो है अमेरिका की आवाज़ के लिए डब किया था और अगली बार एक्शन कॉप फिल्म कॉमेडी ढिसुम मूवी 2016 में दिखाई दिए थे, जिसका निर्देशन रोहित ने किया था। जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस के साथ जो है जुनैद जे अंसारी एक जो है धोखेबाज इंडो इमराती पुलिस वाले के रूप में अभिनय किया था।
मिश्रित समीक्षा के बावजूद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 1.2 बिलियन से अधिक की कमाई किया था, एन यूसी में कन्वर्ट कर दे तो 16 मिलियन से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी की कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वरुण धवन ने खेतैन और भट्ट के साथ जो है रोमांटिक कॉमेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में अभिनय किया। 2017 के लिए फिर से काम किया था जोहमपति शर्मा की दुल्हनिया का एस पीम ऑफ था, जिसमें जो है उन्होंने भट्ट के नायक चरित्र के लिए एक जो है इनकी कट्टरपंथी मंगेतर का किरदार निभाया था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है कि वरुण धवन लड़के संघर्ष के रूप में, संघर्ष के पुरुष के रूप में जो है प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने कहा कि वरुण धवन और आलिया भट्ट जो है साबित करते हैं कि स्क्रीन पर केमिस्ट्री कभी कभी जो है आपको एक अनुमानित जो है कथा के साथ एक औसत जो है कथानक में व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त करता है। साथ ही उन्हें फिल्म के लिए फिल्म फेयर में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन मिला था। बाद में 2017 में उन्होंने डेविड धवन की जुड़वा 2 फिल्म में अभिनय किया जो उनकी 1997 की सलमान खान अभिनीत फिल्म जो है जुड़वा का रिबूट मूवी था, जिसमें जो है फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ अभिनय किए थे। वरुण धवन ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म और जुड़वा 2 दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। प्रत्येक ने 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया, एन यूसी में कन्वर्ट किया जाए तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। फोर्ब्स ने प्रकाशित किया था कि लगातार 9 बॉक्स ऑफिस हिट होगी और 100% जो है सफलता अनुपात के साथ जो है वरुण धवन ने खुद को बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया था। वरुण धवन की 2018 की 2 रिलीज हुई मूवी सुजीत सरकार की ड्रामा अक्टूबर और जो है शरद कटारिया की सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म जो है सुई धागा दोनों ने उन्हें मामूली व्यवसायिक सफलताओं के साथ जो है उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। अक्टूबर में सरकार की लगातार जो है सहयोगी जूही जो है चतुर्वेदी द्वारा लिखित की गई उन्हें जो है दानिश डैन वालिया को चित्रित किया जो एक जो है लक्ष्यहीन होटल प्रबंधक जो है प्रशिक्षुक है जिसका जीवन जो है उसके सहकर्मी के कोम में जाने पर कई जो है बदलाव से गुजरता है। एक अत्यधिक जो है सकारात्मक समीक्षा में फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकेट ने वरुण धवन की इफेक्ट जो है यानी कि आईएनजी उनके स्टारेट जो है यानी कि सन साथ जो है एस वेंगर और साथ ही जो है ट्रेडमार्क जो है क्यूटेंस में प्ले डैन के लिए जो है इनकी सराहना की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने इसे अब तक का अपना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना और लिखा कि उनका हास्य सहज है लेकिन दर्द की उनकी जो है यानी कि उनके साथ जो है समझ और यह जो है मानव व्यवहार को कैसे जो है प्रभावित करता है और यह और जो है यानी कि बेहतर कर सकता है। सुई धागा ने क्रोमस वरुण धवन और साथ ही अनुष्का शर्मा को मौजी और समानता के रूप में चित्रित किया जो कि ग्रामीण भारत में एक जो है साथ ही नवविवाहित जोड़े हैं जो अपने छोटे पैमाने पर कपड़ों का व्यवसाय शुरू करता है। मिंट की उदिता झुंझुनवाला ने समीक्षा की मूवी की और वरुण धवन के एक जो है सिंपल टोन की भूमिका निभाने के लिए साथ ही जो यानी कि टेम्पलेट को पूरा किया है और मौजी के लिए एक जो है यानी कि समान भोलेपन लाते हैं भले ही वह प्यार से अक्टूबर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला था। उसी वर्ष जो है यानी कि शुरू में और साथ ही रांगवा के एक गीत हाई रेटेड जो है इनकी गबरू के संगीत वीडियो के लिए एक जो है विशेष उपस्थिति में कपूर के साथ आए थे जिसका जो है मनोरंजन रागवा धारा जो है यानी कि नवाबजादा फिल्म के साथ इन्होंने काम किया जो नवाबजादा फिल्म के साथ जो है साउंड राइट पर दिखाया गया था जो उनके ABCD2 निर्देशक रेमो मूवी के प्रोडक्शन के डेब्यू में किए गए थे। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी से जुड़ी कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड इस वीडियो में हम वरुण धवन की रियल लाइफ को बतला रहे हैं और इनकी मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को रिव्यू भी कर रहे हैं। अब 2019 में वरुण धवन की एकमात्र स्क्रीन उपस्थिति अभिषेक वर्मन की कलाकारों की टुकड़ी वाली मूवी थी और अवधि के नाटक जो है कलंक फिल्म में थी जिसमें उन्हें एक बार फिर जो है आलिया भट्ट के साथ जोड़ा गया था जबकि पहली बार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ जो है अभिनेता संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर के साथ काम किया गया था।
मुख्य अभिनेता के तौर पर भारत के विभाजन से पहले ही 1940 के दशक में बनी इस फिल्म में उन्हें जफर नाम की एक महिला लोहार के रूप में दिखाया गया था। भाग के साथ ही शारीरिक जो है मांगों के लिए उन्होंने घुटने की चोट और साथ ही हेमस्ट्रिंग जो है आंसू से पीड़ित होने के बावजूद जो है बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण लिया था और अपने समय के स्टंट करने पर जोर दिया गया था। और NDTV की सैबल चटर्जी ने इसे अपने करियर की सबसे जो है इनकी शानदार भूमिका के रूप में लेबल करते हुए लिखा, वरुण धवन उत्साह का अनुभव करते हैं और क्योंकि वह अपने आराम क्षेत्र से काफ़ी आगे निकल जाते हैं और लगातार सही नोटों पर प्रहार करते हैं। उन्होंने नए दशक की शुरुआत जो है कपूर और डिसूजा के साथ जो है मिलकर एक अभिमानी ब्रिटिश भारतीय नटक सहसिंह और नरूला को जो है चित्रित करने के लिए की थी, जो संगीत नृत्य नाटक स्ट्रीट डांसर 3D मूवी 2020 में रिलीज हुआ था। 2020 में एक अर्ध जो यानी कि स्निफ माम में हुआ था ABCD 2, जिसे जो है हिंदू की नम्रता जोशी ने अवैध प्रदर्शन का संकलन करार दिया। दोनों में से किसी भी फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे उनके करियर को झटका लगा। वरुण धवन ने अगली बार डेविड धवन के साथ कुली नंबर 1 फिल्म में काम किया, साथ ही मैं कुली नंबर 1 फिल्म में तीसरी बार टीम बनाई थी, जो कि इसी नाम की गोविंदा स्टारर फिल्म 1995 की फिल्म का रीमेक था, जिसे 2020 में रूपांतरण किया गया है, जिसमें सारा अली खान और साथ ही प्रेस रोल भी अभिनय किए हैं। COVID-19 महामारी कारण नाटक रिलीज को छोड़ दिया गया था महामारी और इसके बजाय जो है सीधे Amazon प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किया गया था। फिल्म का आलोचनात्मक और सार्वजनिक स्वागत मिला था, साथ ही शर्मनाक रूप से जो है नकारात्मक था। और मुख्य अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो है कि असामयिक जो है निधन से शुरू हुई थी और भाई भतीजवाद की बहस के आलोचकों में द इंडियन एक्सप्रेस के लिए शुभ्रा गुप्ता की एक जो है तीखी समीक्षा ने फिल्म को शून्य बुद्धि कोई जो है यानी कि स्वभाव नहीं आया था और अपत्ता कहा गया था। यह फिल्म देखते हुए कि वरुण धवन ने अपनी कई फिल्मों में गोविंदा को बहुत जो है इनके बेहतर तरीके से दिखाया और सह कलाकार जो है सलमान खान के अभिनय की आलोचना की, इसे जो है स्क्रिप्ट की तरह जो है खाली रखा गया था। वरुण धवन ने निर्देशक राज मेहता की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो है जुग जुग जियो पर काम पूरा कर लिया है, जो करण जौहर द्वारा निर्मित की गई और कियारा आडवाणी की अनिल कपूर और नितिन सिंह की जो है सह कलाकार वाली फिल्म है, जिसे मार्च 2021 तक जो है वह अमर कौशिक द्वारा निर्देशित की गई दिनेश बिजान की कॉमेडी हॉरर फिल्म जो है यानी कि भेड़िया मूवी को कीर्ति सुनोन के साथ फिल्म में काम कर रहे हैं और इसके पूरा होने के बाद वह जो है निर्देशक अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित की गई एक्शन थ्रिलर मूवी शांकी पर शुरू करेंगे और अपडेट की ज़रूरत है। सितंबर 2021 में वह सैन्य अधिकारी जो है वरुण जो है यानी कि क्षेत्रपाल के जीवन पर आधारित जो है राघवन द्वारा निर्देशित की गई और बिजान द्वारा निर्मित की एक जीवनी युद्ध फिल्म जो है 21 पर काम पूरा करेंगे। वरुण धवन अमेरिकी ड्रामा जो है सीरीज जो है सीटा डेल में भी भारतीय और स्निफ ऑफ का भी हिस्सा होंगे, जिसे जो है उन्हें रूसो और भाइयों धारा जो है बनाया जाएगा और राज जो है यानी कि नीति मोरू और कृष्णा DK धारा जो है निर्देशित किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों हम किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये आप लोग को पता है। वरुण धवन ने अपने अभिनय करियर के साथ वरुण धवन मंच पर प्रदर्शन भी करते हैं और 2 पुरस्कार समारोह की सह मेजबानी कर चुके हैं। 2013 में उन्होंने फिल्म फेयर स्क्रीन और स्टारडस्ट पुरस्कार समारोह में और हांगकॉन्ग में एक जो है कार्यक्रम में प्रदर्शन किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा और आयुष्मान खुराना के साथ 2013 के स्टारडस्ट पुरस्कार समारोह की मेज़बानी की है, जो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का
एक खंड वह जो है शाहरुख खान और रचा चड्ढा के साथ सुखी स्व जो है मेजबानी करते हुए 20वें स्क्रीन अवार्ड का भी हिस्सा थे। 2013 में उन्होंने मल्होत्रा, भट्ट कपूर और साथ ही जो है बदलापुर फिल्म की सह कलाकार हुमा कुरैशी के साथ जो उत्तराखंड के बात प्रभावित किए थे और पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुति दी गई थी। सितंबर 2014 में वरुण धवन और साथ ही नवगठित इंडिया सुपर लीग जो है क्लब और एफसी गोवा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उन्होंने रुपये भी दान किए थे और भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार के पीएम जो है इनकी क्रेज फंड में 30 लाख जमा भी किए थे। वरुण धवन 2014 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई थी, जो 2018 में 15वें स्थान पर पहुंच गए थे। जब पत्रिका ने उनकी जो है वार्षिक आय के बारे में जाना तो 495.8 मिलियन यूएसए चला गया था, जो यूएसए में कन्वर्ट किया जाए तो 6.5 मिलियन होने का अनुमान लगाया और उन्हें सूचीबद्ध किया देश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हस्तियों में से एक माना। उसी वर्ष जो है यानी कि जीक्यू के भारतीय संस्करण ने उन्हें देश के 50 सबसे प्रभावशाली युवा लोगों में शामिल किया और उन्हें अपनी जो है पीढ़ी के सबसे यानी कि बैंक योग्य स्टार के रूप में चिन्हित किया है। 24 जनवरी 2021 को वरुण धवन ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका यानी कि फैशन डिजाइनर नताशा दलाल से शादी की है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बॉलीवुड की मचिटोन फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं करण जौहर सर और इस फिल्म की कहानी भी करण जौहर सर ने ही लिखे हैं। दोस्तों इस फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन एंड आलिया भट्ट ने फिल्म में अभिनय किए थे। फिल्म को 19 अक्टूबर 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग मिला। फिल्म को 59 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में 109 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और ये मूवी साल का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म साबित हुआ था। फ्रेंड आप लोग को बताया है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, या तो आप लोग को पता है तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने से रुचि रखने वाले मल्होत्रा ने अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित की गई एक फिल्म के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया था। हालांकि फिल्म को स्थगित कर दिया गया था जिसके बाद उन्होंने 2010 की फिल्म माय नेम इज खान में करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। आखिरकार 2012 से जो है नवोदित अभिनेता वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने सीमित वित्तीय और साथ ही उनके साथ साधनों को छात्र अभिमन्यु सिंह के रूप में इनको चुना गया था, जो एक अभिमन्यु सिंह के रूप में ये काम किए थे फिल्म में और चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन नंदा वरुण धवन के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करता है, जो कि CNN IBN के फिल्म जो है समीक्षक राजीव मंचद ने उनके प्रदर्शन को इनकार ईमानदार माना और कहा कि उनकी जो है यानी कि मानभावन उपस्थिति थी कि दुनिया भर में ये मूवी सुपरहिट हो। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद सह कलाकार आलिया भट्ट और वरुण धवन की तरह जो है जिनके बाद उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई थी मल्होत्रा ने 2014 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी में साथ ही जो है परिणीति चोपड़ा के साथ और आदा शर्मा के साथ अभिनय किया था, जो प्यार को बताती है एक जो है वैज्ञानिक और एक आत्मविश्वास से काम करती है महत्वाकांक्षी व्यवसायिक की कहानी। कोई मोई के मोहर बासु ने अपने प्रदर्शन को सीमित पाया और चोपड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री को जीवंत कहा था और हार्दिक जो है बताए NDTV की सेबल चटर्जी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और इसकी तुलना में अमिताभ बच्चन के शुरुआती काम से की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन किया, वैश्विक राजस्व जो है 620 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। मल्होत्रा की 2014 की दूसरी रिलीज मूवी जो है मोहित सूरी द्वारा निर्देशित की गई थी रोमांटिक थ्रिलर एक ब्लेन मूवी थी, जिसमें उन्होंने गुरु देवकर की भूमिका फिल्म में निभाई थी, जो एक कठोर अपराधी है जिसकी बीमार पत्नी जो है आयशा वर्मा श्रद्धा कपूर की हत्या कर लिया था और सीरियल किलर के राकेश यानी कि महा डॉक्टर रितेश जो है इनके रितेश देशमुख धारा की जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा, भले ही उनके पास जो है इनकी खतरनाक काम करने की कठिन जो है समय हो, वह हर समय इतना ही अच्छा प्रदर्शन करता है कि काफ़ी अच्छी मूवी में लगते हैं।
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य लगते हैं जो कि वह जो है हड्डियों को क्रंच कर रहे होते हैं। फिल्म एक बहुत बड़ी व्यवसायिक बन गया था जो 1.7 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। एनयूएस में कन्वर्ट किया जाए तो 22 मिलियन से अधिक की विश्वव्यापी राशियों के साथ जो है सफलता हासिल की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने उन्हें बॉलीवुड अभिनेता की नई पीढ़ी में से एक रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे बॉलीवुड की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। मल्होत्रा अगली बार 2011 की अमेरिकी फिल्म वॉरियर के साथ 2015 के रिमेक में दिखाई दिए थे, जिसका शीर्षक था ब्रदर्स। करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित की गई और अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस और जैकी श्रॉफ की सह अभिनीत मूवी थी। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पे कम प्रदर्शन किया था, लेकिन अपने प्रदर्शन विशेष रूप से मल्होत्रा और सह कलाकार अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध की गई थी। मल्होत्रा की अगली रिलीज मूवी जो है शकुन बात्रा द्वारा निर्देशित की गई पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स मूवी एक जो है बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मूवी थी। ये फिल्म जो है काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ था, जिसने दुनिया भर में 1.53 बिलियन से अधिक की कमाई किया था। ऋषि कपूर एंड रत्ना पाठक सह रजत कपूर फवाद खान और आलिया भट्ट सहित जो है कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी। फिल्म में विशेषता यह थी कि फिल्म विपरीत जो है व्यक्तिगत मल्होत्रा और खान को जो यानी कि दो भाइयों की कहानी बताती है जो अपने दादा के पीड़ित होने के बाद अपने बेकार परिवार में घर लौट आते हैं। एक जो है कार्डियक और साथ ही अरेस्ट इंडिया टुडे के एक समीक्षक ने सोचा कि मल्होत्रा को फिल्म में खान ने भारी कर दिया था। हालांकि द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा है कि वह अपनी ठोस जो है उपस्थिति और कमजोर जो है नज़रों के साथ खुद को जो है बनाए रखते हैं। मल्होत्रा अपने सह कलाकार जैकलिन फर्नांडिस के साथ 2017 में अपनी फिल्म ए जेंटलमैन के प्रचार कार्यक्रम में मल्होत्रा ने कपूर एंड सन्स मूवी की सफलता के बाद रोमांटिक कॉमेडी बार बार देखो में एक प्रमुख भूमिका के साथ जो है कैटरीना कैफ के सह कलाकार के रूप में एक जो है गणितज्ञ के रूप में समय की यात्रा की। फिल्म का निर्माण जो है करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले किया था और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने एक सेल एंटरटेनमेंट के बैनर के तले किया था। नृत्य मेहरा धारा जो है निर्देशित की गई फिल्म समीक्षकों से मिली जुली नकारात्मक समीक्षा के लिए एक साथ खुली थी और बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप रही थी। बाद में 2017 में उन्होंने पहली बार एक्शन कॉमेडी ए जेंटलमैन फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस के साथ जो है लेखक निर्देशक जोड़ी राज जो है साथ ही निधि मोरू और कृष्णा डीके में जो है दोहरी भूमिका निभाई थी और अभिनय किया था, जिसे जो है बॉक्स ऑफिस स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया था और दुनिया भर में 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था। हालांकि वो जो है प्रत्याशित यह थी खराब जो है स्वागत के लिए खुला था। फिल्म का घरेलू संग्रह क्रमशः 420 मिलियन तक चला गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बॉलीवुड की मोस्ट वॉचड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को और अभी हम बातें कर रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा सर के बारे में। दोस्तों, अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हैं, इनके मूवीज़ को आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभय चोपड़ा के साथ 2017 की फिल्म 1969 की मिस्ट्री फिल्म जो है इत्तेफाक की रिमेक में मल्होत्रा ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ अभिनय किया था। धर्मा प्रोडक्शन के तहत जो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ इन्होंने काम किया था। नवंबर 2017 को रिलीज हुई फिल्म ने 5 समीक्षकों के आधार पर रेटिंग टोमेटोज पर जो है रोटन टोमेटोज पर फिल्म को 90% की स्वीकृति रेटिंग प्राप्त किया गया था और इंडियन रुपीज़ के बारे में हम बातें करें तो 500 मिलियन के आजीवन संग्रह के साथ बॉक्स ऑफिस पर कोई भी उल्लेखनीय प्रदर्शन इस फिल्म ने नहीं किया था। 16 फरवरी 2018 को रिलीज हुई नीरज पांडे की अय्यारी फिल्म में मल्होत्रा के साथ जो है मनोज वाजपेयी और रकुल प्रिंस सिंह ने अभिनय किए थे। फ्राइडे फिल्म मेकर्स के बैनर के तले शीतल भाटिया द्वारा निर्मित किया गया फिल्म 30 मिलियन के नोट पर शुरुआत किया गया था और 183.1 मिलियन का संग्रह फिल्म ने किया था। अंततः एक जो है औसत जो है इनकी सफलता के रूप में फिल्म उभरी थी। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया था और कहा कि कुल मिलाकर जो है अय्यारी फिल्म जो है निशान से चूक जाता है और इसकी साथ ही जो है तूतरी तूपूर्ण स्क्रिप्ट और लंबे समय जो है तक
लंबे समय तक चलने के कारण जो है एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म जो है निराशाजनक जो है किया था और मल्होत्रा की 2019 की दो रिलीज हुई थी मूवी समीक्षकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से खराब रूप से जो है प्राप्त किया गया था और उन्हें बॉक्स ऑफिस पे असफल माना गया था। उन्होंने पहली बार रोमांटिक कॉमेडी जबरिया फिल्म जोड़ी में अभिनय किया था। साथ ही परिणीति के साथ जो है उनका दूसरा सहयोग फिल्म 9 अगस्त 2019 को नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था। इसे जो है इनकी फ्लॉप माना गया था। उनकी दूसरी उपस्थिति मिलाप मिलन जावेरी के साथ जो है मसाला एक्शन फिल्म जो है मर जावा फिल्म में अभिनय की थी। तारा सुत्रिया, रकुल प्रिंसी और रितेश देशमुख के सह अभिनीत जो कि 15 नवंबर 2019 को ये मूवी इंडिया में रिलीज हुआ था। मर्जावा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुआ था और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग भी मिला था। अब 2021 में भारतीय सेना अधिकारी जो है परमवीर चक्र PVC विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित जीवनी मूवी एक्शन फिल्म जो है शेरशाह में मल्होत्रा की मुख्य भूमिका थी। कोविड 19 महामारी के कारण कई देरी के बाद फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, हालांकि विशेष रूप से मल्होत्रा के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। अपने रिलीज के तुरंत बाद जो है अमेजोन ने शेरशाह फिल्म को भारत में मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाला फिल्म भारतीयों में घोषित किया था और 2022 में मल्होत्रा को साथ ही दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 2022 में शेरशाह फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता आलोचक का पुरस्कार भी इनको दिया था। इसी तरह बता दें दोस्तों, शेरशाह फिल्म साल 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। ये मूवी अभी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म को Amazon Prime Video में रिलीज किया गया था 12 अगस्त 2021 को और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिली थी। दोस्तों फिल्म के गाने के बारे में हम बात कर ले तो तनिष बागची ने फिल्म के गाने को तैयार किए थे। बताया दोस्तों गानों को रिलीज करने के बाद इस फिल्म के गाने चार्ट में सबसे ऊपर था। इसी के साथ बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी अभिनय करती हुई नजर आई थी। और दोस्तों बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो विश्वनु वर्धन सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी संदीप श्रीवास्तव सर ने लिखे थे। और बात कर ले फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में, तो हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता, इन सबीर बख्शावाला, इन अजय शाह ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए थे। और दोस्तों फिल्म को बनाने में कम से कम 50 करोड़ से अधिक का बजट खर्च हुए थे और ये फिल्म 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया है और ये फिल्म साल 2021 की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों शेरशाह फिल्म साल 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवन युद्ध वाली फिल्म है, जिसका निर्देशन विष्णु वर्धन सर ने अपने हिंदी फिल्म डेब्यू में किया था और इसे संदीप श्रीवास्तव ने लिखा था। फिल्म के निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तहत और कास एंटरटेनमेंट द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था, जिसमें हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, सबीर बख्शावाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी ने मिलकर इस फिल्म को निर्मित किए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा को इस फिल्म में लिया गया था। बत्रा और उनके जुड़वा भाई की विशाल के रूप में इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में इनको देखा गया है। जबकि आपको बता दें फिल्म में अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने अभिनय करते हुए नजर आई थी और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के रूप में इस फिल्म में काम की है, जो मई 2019 में घोषित प्रमुख जो फोटोग्राफी के साथ की गई थी मूवी की। उसी महीने में शुरू हुई थी इस फिल्म की शूटिंग, जनवरी 2020 में समाप्त हो गई थी शूटिंग। और शुरुआत के बारे में हम बात कर ले तो 3 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को कोविड 19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था और इसके बाद फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली रिलीज होने के बाद, जिसमें मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के प्रदर्शन, संगीत, निर्देशक और आपको बता दें एक्शन दृश्यों की विशेष प्रशंसा हुई थी। हालांकि लेखन को कुछ यानी कि आलोचना भी मिले थे और अगस्त 2021 को अमेजन ने कहा था कि शेरशाह मूवी भारत में मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। इसी के साथ बताया दोस्तों करण जौहर ने साल 2018 में पुष्टि की थी कि वो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बनाने का निर्माण करेंगे। इसी के साथ बत्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बत्रा का किरदार निभाए और अंततः उन्हें बत्रा और उनके समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका में इनको देखा गया फिल्म के अंदर और इनको चुन लिया गया इस किरदार के लिए। कियारा आडवाणी को कास्ट करने से पहले बत्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी, लेकिन मल्होत्रा ने अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए
सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था और फिल्म की आधिकारिक जो है घोषणा से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि शीर्षक जो है मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन बाद में इसे शेरशाह में बदल दिया गया और इसी शीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म की आधिकारिक तौर पर 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी, लेकिन जिसका शीर्षक जो है पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान चंडीगढ़ में लगाए गए थे, जहाँ पे पालमपुर गांव में इस मूवी की शूटिंग किया गया था और कारगिल लद्दाख में, और आपको बता दें कश्मीर घाटी में कुछ शूटिंग किए गए थे और प्रिंसिपल फोटोग्राफी 7 मई 2019 को शुरू हुई थी और फिल्म 12 जनवरी 2020 को लपेट ली गई थी। और आपको बता दें पैच वर्क शॉट जो है 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। बताए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शेरशाह फिल्म के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों अगर आप शेरशाह फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि ये फिल्म अभी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको बता दें फिल्म में दिखाए गए गीतों को त्रिक्स बागची, बी प्रकाश एंड जसलीन रोहित धारा इस फिल्म के गाने को तैयार किए गए थे। यहाँ पे जावेद मोहसिन और विक्रम जो है मोटर्स धारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसके बोल मनोज मुंतशिर और रश्मि बिरस द्वारा किए गए थे। और आपको बता दें अनविता दत्ता जामी और बागची धारा लिखे गए थे गाने को। जॉन स्टीवर्ट जो यानी कि एडोरी ने फिल्म के स्कोर की रचना की, जो 16 अगस्त 2021 को सोनी म्यूजिक धारा इस मूवी को इंडिया धारा जारी किया गया था। संगीत एल्बम 2021 का सबसे बड़ा साउंड एट माना जाता था और सभी संगीत जो है यानी कि प्लेटफॉर्मों में 1 बिलियन स्ट्रीम को पार कर लिया था इस फिल्म के गाने। और आपको बतला दें ये गाने जो है साल के सबसे ज़्यादा यानी कि तेज भारतीय एल्बम जो है बिकने वाला बन गया था। इसी तरह फिल्म के गाने जो है रतन लाम बियान धारा और रांझा जो है बिलबोई धारा हॉट किए गए 100 पर जो है शीर्ष पर पहुंच गए थे। और इसके अलावा जो है इनकी बिलबोर्ड ग्लोब जो है 200 यानी कि शीर्षक पर रहे थे। सभी संगीत और वीडियो प्लेटफॉर्म में गाने राष्ट्रीय और वैश्विक जो है चार्ट में सबसे ऊपर है। इस फिल्म के गीत जो है इनकी भारत 2.0 अप्रैल 2017 में रिलीज हुए थे और बी पार्क के एकल के साथ जो है यानी कि मनभारिया का मनोरंजन भी किया गया था और इसे गायक बी पार्क और संगीतकार जो यानी कि गीतकार जानी के साथ मूल गीत की एक ही यानी कि टीम द्वारा फिर से जो है बनाए गए थे। फिल्म 3 जुलाई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई, जो 20 फरवरी 2020 को फिर से स्थगित होने से पहले 2 जुलाई 2021 के रूप में नई रिलीज की तारीख को घोषणा कर दी गई थी। फिल्म का प्रीमियर 12 अगस्त 2021 को Amazon Prime Video पर हुआ। अगस्त 2021 को Amazon ने कहा कि शेरशाह मंच पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म को दर्शकों द्वारा 4,100 से यानी कि अधिक भारतीय शहरों और कंबो के साथ 210 देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग किया गया था और फिल्म जो है साल 2021 की सबसे बड़ी हिट मूवी थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के फ़ैन हैं और इनके मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में। दोस्तों मूवी को क्या रिव्यू रेटिंग दिया गया है 2021 में रिलीज होने के बाद, चलिए अब हम जानते हैं। वैसे आप इस फिल्म को क्या रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो 5 में से, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 2 स्टार या फिर 3 स्टार देना चाहते हैं, जो भी आपका राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। बता दोस्तों शेरशाह मूवी रिलीज होने पर शेरशाह को फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ने फिल्म के लेखन की आलोचना भी की। रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म को 13 समीक्षकों के आधार पर 54 रेटिंग और 5.2 की रेटिंग दी गई है। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने शेरशाह को पावर पैक मूवी कहते हुए इन्होंने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है शेरशाह मूवी कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा और आपको बता दें प्रेरणादायक और भावनात्मक की वीरता वाली साहस और आपको बता दें बहादुरी को सलाम करता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक गेम चेंजर वाली फिल्म थी और आपको बता दें कमांडिंग एक्ट जो है न कि ईश्वर क्रिया के साथ निर्देशक जो विष्णुवर्धन शेरशाह की कहानी को अत्यंत यानी कि योग्यता के साथ बताते हैं। कैप्टन के साथ इस मूवी की पटकथा लेखन अधिकांश भागों में किए गए थे, यानी कि अवशेषतिक यह है कि युद्ध के दृश्यों को उत्कर्ष के साथ जो यानी कि निष्पादित किया जाता है और आपको बता दें फिनाले निश्चित रूप से आपको नम कर देंगे इस फिल्म के जो कहानी है।
इसी तरह फर्स्ट पोज के अन्ना एमएम वेटी कैट ने फिल्म को रिव्यू करते समय इन्होंने 5 में से 2.75 स्टार दिए हैं। कैप्टन विक्रम बात्रा की बायोपिक जो है यानी कि इज ग्रिपिंग के साथ जो है एंज आर्मी एंड साथ ही प्रोसीजरल के साथ इसे जो है कि कपूर एंड सन्स के बाद मल्होत्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाया गया है और कहा कि विष्णु वर्धन को इससे अधिक जो है उपयुक्त जो है कि मुख्य धारा का स्टार नहीं मिल सकता था। भारत के पसंदीदा युद्ध यानी कि नायकों में से एक को याद करने में उनके साथ शामिल होने के लिए NDTV के सेवल चटर्जी ने मल्होत्रा को यह कहते हुए इस फिल्म को 5.25 स्टार दिए कि बात्रा को यानी कि दक्षता के साथ चित्रित करने के लिए उसके पास किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला सिनेमा की मार्कर के साथ जो क्षमता और चमकदार जो है कि पत्थर शेरशाह को एक युद्ध नाटक के रूप में और भी यानी कि अधिक और आगे ले जाने की जरूरत है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है फिल्म की मंदी फिल्म यानी कि बद्दी के साथ यानी कि संरचना के साथ इसे जो है कि तनाव या फिर पकड़ बनाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिल्म में जो लड़ाई शुरू होने के बाद दूसरे घंटे में यह यानी कि जीवंत हो जाती है कि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार देते हुए कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में न तो एक युद्ध फिल्म में निहित है या फिर आवश्यकता जो है नाटक है, नहीं ये मूवी यानी कि देशभक्ति के रोंगटे खड़े कर देती है। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन रोहन नेहरा ने पटकथा की प्रशंसा की लेकिन दिशा की आलोचना करते हुए कहा कि स्मार्ट कोरियोग्राफ की गई है और आपको बता दें कार्रवाई एक जन की श्रद्धा पूर्ण ईश्वर है जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का ईमानदार प्रदर्शन विष्णु वर्धन की असमान दिशा के लिए नहीं बना सकते हैं। यह दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की करियर के सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है शेरशाह। तो दोस्तों अगर आप शेरशाह फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे नीचे एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम शेरशाह मूवी से जुड़े काफ़ी अननोन फैक्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। बता दें दोस्तों एक वीडियो रिकॉर्ड करने में हमें 2 से 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है और ये आप लोगों को पता है एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, तो कई सारे इन्फॉर्मेशन को हम लेके आते हैं और आपके सामने रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। फिल्म की शुरुआत में विशाल बात्रा जो बात करते हैं वह 2017 में उनके द्वारा किए गए TEDx भारत द्वारा उनको बात की जाते भाषण से मिलती जुलती है। इसे शीर्षक के साथ जो इनके समान कपड़ों से स्पष्ट कर दी गई थी। फिल्म में विक्रम बात्रा और डिम्पल चीमा की शादी को दिखलाया गया है जबकि वह अनजान है। साल 2016 में द क्वीन के साथ एक सजताकार में चीमा ने खुलासा किया था कि निशान साहिब की साथी परिक्रमा करते समय जो वह मेरे पीछे चल रहे थे। इसी तरह परिक्रमा के साथ पूरी करने पर उन्होंने कहा बढ़ाई हो और साथ ही श्रीमती बात्रा में उन्हें जो है देखने के लिए घुमा मेरे जो है कि दुपट्टे का एक यानी कि सिरा कपड़े हुए है। इसी तरह सिख धर्म में निशान साहिब के चारों ओर जो है कि 4 फेरे पूरे करने को शादी की रस्म मानी जाती है। उसी सच्चाताकार में बात्रा धारा चीमा के बालों को अपने खून एक हिंदू विवाह जो है अनुष्ठान से भरने के चित्रण की भी पुष्टि की गई थी। फिल्म में बात्रा को अपने दोस्त से कहते हुए दिखाया गया है कि मैया तो जीत में भारतीय यानी कि ध्वज यानी कि फहरा कर वापस आऊँगा या फिर उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर इन्होंने इस फिल्म के अंदर कहा है और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है। बता दोस्तों हालांकि उनके जुड़वा विशाल बात्रा ने बात्रा को एक दोस्त शब्द कहने की पुष्टि की और ये जो है कि विवादित है कि उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को किसके लिए कहा था। फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना को रेडियो पर बात्रा को धमकाते हुए दिखलाया गया है। बात्रा ने खुद जो है यानी कि बरखा दत्त के साथ अपने परिचित जो है सच्चाताकार में इसे याद करते हुए कहा और शेरशाह आप आ गए हैं और ऊपर आने की कोशिश मत करो अन्यथा आपके पास कठिन समय हो जाएगा और यही वो समय था जब उन्होंने हमें दिखाया था कि एक चुनौती और मेरे दोस्तों के साथ यानी कि बंजली हो जाएंगे जंगली हो जाएंगे। और फिल्म में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीयों से माधुरी दीक्षित को देने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। यूनिट में सेवा देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी और आपको बता दें 5140 पर जो है कब्जा करने के बाद बात्रा को चीमा को कॉल करने के लिए एक पत्रकार के सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में उसने एक जो है कि सैटेलाइट फ़ोन उधार लिया गया था लेकिन इसके बजाय जो है उसने अपने पिता को फ़ोन किया था और उनके अधूरे संदेश यानी कि डैडी आई यानी कि हैव के साथ कैप्चर को शुरू में उनके
कब्जे के संदेश के रूप में गलत जो समझा गया था। इसी तरह 4875 पर चढ़ते समय बात्रा को एक बंकर पर हमला करते हुए दिखाया गया है और अकेले ही तीन दुश्मन सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया है। हालांकि वास्तव में उसने दुश्मन के 5 सैनिकों को मार दिया यानी कि मार गिराया था। और आपको बता दें इसी बीच जो है कि उसे कई चोटें लग जाती है और फिल्म के विपरीत जो है कि साइनिपर की चपेट में आने के बात्रा की तुरंत जो है मृत्यु हो गई और अपने आदमियों को इसी बिंदु पर कब्जा करते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। यह दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिल्म शेरशाह को जिसे साल 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। तो दोस्तों ये फिल्म आपको अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, ये मूवी आप Amazon Prime Video के अंदर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस मूवी की कहानी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि शेरशाह फिल्म की कहानी कैसे लिखी गई थी और फिल्म की कहानी में क्या ट्विस्ट रखा है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी विशाल बात्रा अपने भाई विक्रम के जीवन की कहानी बताते हुए एक यानी कि टेड टॉक देते हैं। इसी बीच दोस्तों युवा विक्रम क्रिकेट जो है खेल रहे होते हैं जब वह एक गेंद को लेकर बड़े किशोर बच्चे के साथ लड़ाई में पड़ जाते हैं जिससे निर्जर जो है कि स्वभाव का पता चलता है। जिसके लिए वह बाद में जाने लगते हैं विक्रम टीवी सीरीज इन साथी परमवीर चक्र देखकर भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होते हैं उसकी सेना में भर्ती होने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम जो है अंग्रेजी को अपने प्रमुख विषय के रूप में पढ़ रहे थे। भारतीय नौसेना या फिर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्हें जो है मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था जिसने जो है उनकी प्रेमिका डिंपल को खुश कर दिया था। फिर भी उनके करियर को लेकर भ्रमित थे कि विक्रम और डिंपल जो है कि शादी करना चाहते थे। हालांकि डिंपल के पिता ने विक्रम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अलग अलग जो है कि जातियों से आ रहे थे। इसी बीच जो है विक्रम को एहसास हुआ कि वह मर्चेंट नेवी के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए है। वह अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद CDS सैनिक जो है रक्षा की सेवा को क्रैक करते थे और आपको बता दें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए चले गए थे जहाँ पे विक्रम को जम्मू कश्मीर के साथ जो यानी कि राइफल के लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था। इनको अपने यानी कि पुरुषों और स्थानीय लोगों दोनों के साथ जो यानी कि सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करते हैं और आतंकवाद विरोधी यानी कि अभियानों में भाग लेते हैं। इसी तरह के एक ऑपरेशन पर वह अपने CO यानी कि लेफ्टिनेंट संजीव जिमी के साथ जो है इनकी जमवाल की अवहेलना करते हैं लेकिन अपराधियों को बेअसर कर दिया जाता है और जिमी की जान बचा ली जाती है। जिमी उसकी यानी कि दृष्टिकोण को फटकार लगाता है लेकिन बाद में उसके करीब आ जाते हैं डेल्टा कंपनी जिसका विक्रम भी लेफ्टिनेंट के रूप में एक हिस्सा थे जहाँ पे विद्रोही समूह के गुर्गे को पता लगता है और वहाँ पे पता लगता है कि प्रतिशोध में नेता हैदर डेल्टा कंपनी को हथियारों के कैश की बुद्धि के साथ जो यानी कि लालच देकर हमला करता है जहाँ पे मारे गए थे सारे लोग हमलावर में। और विक्रम का दोस्त जो है नायब सूबेदार बंसी लाल भी शामिल हो जाता है इस लड़ाई में जहाँ पे दर्दनाक और प्रतिशोधी वह हैदर को ट्रैक किया जाते हैं और एक ऑपरेशन के लिए यूनिट के CO लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी से प्रतिकरण किए जाते हैं जहाँ पे उसको प्राप्त किया जाता है। विक्रम के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी ने हैदर के घर पर छापा मारा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि कारगिल युद्ध जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो दोस्तों उसके घर जाने के बाद क्या होता है चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी नज़र आई थी। दोस्तों ये फिल्म साल 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। शेरशाह फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मई 1999 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक आक्रामक जो है कदम उठाया था और
कारगिल पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी गई थी। एक जो है संभावित युद्ध के बारे में खबर के रूप में विक्रम ने अपनी छुट्टी काम करने और लौटने का फैसला किया। इसी बीच अपने दोस्त सनी से वादा करता है, या तो जीत में भारतीय ध्वज फहराकर वापस आऊँगा या उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। अब इसके बाद यूनिट को धूमीर आर्मी में बेस में एक जो है रिजर्व फोर्स के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। साथ ही आपको बता दें अन्य जो है कि रेजिमेंटों को भी समायोजित करने और तैयार करने के लिए बेस जो है कि तोप खाने की आग की चपेट में आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रम के वरिष्ठ मेजर अजय सिंह यानी कि जस रोटिया सहित कई जन की हताहत हो जाते हैं। युद्ध के 3 हफ्ता बाद थीट जन यानी कि थीट जेक के साथ जो है रीफ को दूसरी राजपुताना एन साथ ही राइफल के साथ जो है दो राज रीफ को हरा देने की इस क्रिया जो है यानी कि ड्यूटी में ले जाया गया। और आपको बता दें पॉइंट जो है 5140 को 17,000 फीट पर जो है पुन प्राप्त करने का काम सौंपा गया था। विक्रम ने रेडियो संचार के लिए जो है कि कोड नेम के साथ शेरशाह और विजय के साथ जो है कि संकेत ये दिया था कि दिल मांगे मोर को अपनाया जाया था। और जिमी के साथ जो है विक्रम अपनी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं। और आपको बता दें बिना यानी कि हताहत होने के बाद भी पॉइंट जो है 5140 पर कब्जा कर लेते हैं। सेना और जनता में प्रशंसा बटोरने के बाद युद्ध के दौरान विक्रम को कैप्टन के पद पर इनको रखा गया और उनकी जो है प्रभावशाली जीत के बाद जो है आर्मी कमांडर में 13 जेक रीफ को जो है 4875 पर कब्जा करने का काम दिया गया। राष्ट्रीय जो है इनकी राजमार्ग में 1 को नज़रअंदाज कर दिए गए। और आपको बता दें लक्ष्य यानी कि लक्ष्य नीक को रूप में युद्ध को जो है समाप्त कर देंगे और वह अगले दिन पॉइंट जो है 4875 पर हमला शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है कि उबड़ खबड़ जो है इलाकों के साथ दुश्मनों के कई जो है कि बंकरों के कारण जो है भारी हताहत हो जाती है। आखिरकार वह उन 4 जो है बंकरों को नष्ट कर देते हैं जिनके बारे में वह जानते हैं। और आपको बता दें 5वें जो है कि छलावर यानी कि बाले बंकर से जो है अनजाने वह भारी आग जो है लगा देते हैं। विक्रम जो है राइफल मैन के साथ यश को यानी कि यश पॉल को बंकर में पाकिस्तानी RPG के साथ 7 का जो है इस्तेमाल करने का काम देते हैं। हालांकि एक जो है स्नाइपर उसे गोली मारने से पहले मर जाता है यानी कि भारत जो है मर जाता है और विक्रम उसे बचाने के खुले मैदान में दौड़ते हैं और सफलतापूर्वक जो है ऐसा कर लेते हैं। लेकिन स्नाइपर और AK-47 दोनों ही राउंड से कई बार जो है मारे जाते हैं। जैसे ही वह गिर जाते हैं वह देखते हैं कि सूबेदार रघुनाथ जो है अंतिम जो है बंकर पर कमान जो है संभाल लेते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि पुरुष जीत में भारतीय ध्वज जो है उठा लेते हैं और पॉइंट जो है 4875 पर उनके कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत जो है यानी कि परमवीर चक्र अमेरिकी मेडल ऑफ यानी कि ऑनर के समक्ष के साथ जो है इनको सम्मानित किया गया। अंत में जो है पालनपुर यानी कि कोंगंडा में उनके अंतिम जो है संस्करण हुए। और आपको बता दें व्याकुल जो है डिंपल को दिखाया गया है कि उनको दिखाने के बाद असली क्रेडिट में दिखलाया गया है विक्रम बात्रा को, जो असली फोटो में उनको आप जो है देख सकते हैं फिल्म के अंदर। शेरशाह मूवी अनाउंसमेंट इन मई 2019 प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन द सेम मंथ इन द एंड कंक्लूड इन जनवरी 2020। इंटीरियर सिलेक्ट द बी एंड रिलीज ऑन 3 जुलाई 2020। द फिल्म वाज द इन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। इन द फिल्म द प्राइमेट ऑन 12 अगस्त 2021 ऑन एमेजन प्राइम वीडियो। द फिल्म रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड ऑडियंस विद एंड द पर्टिकुलर प्राइज फ्रॉम द एन मल्होत्रा एंड अडवाणी इज द परफॉर्मेंस एंड म्यूजिक डायरेक्शन एंड द एक्शन सीक्वेंस द एंड वेटिंग द रिसीपेंट एंड सोम द क्रिटिक्स एंड द ऑन 31 अगस्त 2021 एमजोन स्टार्ट द एंड शेरशाह हैड द बिकम द मोस्ट एंड मोस्ट वॉचेड इंडियन फिल्म ऑन द प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। करण जौहर कन्फर्म इन द 2018 द वर्ल्ड बी एंड द प्रोड्यूसिंग द बिगिन ऑफ द लाइफ ऑफ द कैप्टन विक्रम बात्रा द एंड बात्रा फैमिली वांट द सिद्धार्थ मल्होत्रा टू द प्ले द बात्रा ही द वास इवेंचुअली एंड सिलेक्टेड टू एंड पार्टनर द एंड डबल रोल ऑफ द बात्रा एंड हिज द एंड identical twin the brother the and Vishal and several the actress were be and decision to play the Batra is the and finishes the Dimple and Dimple Chima before the Kiara Advani was the cast and Malhotra started the and military the training for the film in April 2019.
Before the officially announcement of the film, it is worth in specific the movie entitled will be in Mera Dil Mange More, but the letter was the changed to Shersha. The film was the officially announcement on 2 May 2019 with the title confirming the shooting location to be and the Chindig and the Chandigarh Palampur Kangra Kargil and Ladakh the Kashmir Valley. Principal photography commenced on 7 May 2019 and the film warped on the 12th January 2020 and patchwork the shot will be and complete the by 23 October 2020. The song of the future the film was with the composer by the Tanish Bagchi, B. Parag, Jaslin Roy and Zabed Mohanish and the Bikram and Mansur, which is the enlarged the within Manoj Bapra and the Bagchi. Tanish Bagchi and the started the will composed the film and scored the music album The Wish Be was the released by the Sony Music India on 16 August 2021 was the and considered as the biggest and sounded of the 2021 and the one the head crosses won the and below the streaming in the music platform the became the and fastest Indian album to do and the Ratan Lambian the end Ranjha Packet at the end Billboard Hot the 100 and originally the end topped the film and Billboard Globe 200 strong the end topped the national and the global the chart in the all music video platform the end song Man Bhariya 2.0 was the end recreation of the end Parag the single Man Bhariya released in April 2017 was the end recreated the end same tone original song with the end song B Parag in the composite. The film official was the scheduled to release the theatrical on 3 July 2020 but was the end delayed due to COVID-19 pandemic on 20 February 2021. The new release date was the announcement as the 2 July 2021. Before being the end postponed again, the film premiered on 12 August 2021 on the Amazon Prime Video on 31 August 2021. Amazon stated the Shersha movie had the become the most wanted most watched Indian film of the platform. The film was the end estimated by the audience in the over 4,100 Indian the end created the end twins were 210 the end countries and the terrorist. Upon the release, Shersha movie received the positive review from the critics who the end praised the Malhotra is the performance and the action sequence but the same and critics the rating of the film on the review and aggregator website Rotten Tomatoes. The film held in the rating of the 54 based on 13 review and the average rating of the 5.2 rating. Taran Adarsh of the Bollywood Hangama give the film 3.5 star and the calling the Shersha movie powered the package and the Varud the Shersha and the selected the and below the encourage and the bravery of the Kargil war the hero Captain Bikram Batra and the inspiration of the emotional movie and a game changer for the Siddharth Malhotra coming acting the end unmissable the director in the Vishnu Vardhan. Director Vishnu Vardhan the end narrate to be a story of the Shersha movie with the end utmost the end captain the skin with the end option movie must part of the war and sequence are the and execute of the end forces the final movie and swear to love you and musty of the movie. Anna M.M. the end Vatican first give the end film 2 star of the 75 star out of the end opening movie Captain Bikram Batra in Bayukubi is the end graphic movie army the end production and the prosecutor of the in nothing it is the in Malhotra best performance the Science Kapoor and the songs of the end Vishnu Vardhan cloud of the not ever found of the more the and suitable and the ministry of the star to join him the end Manohar Singh of the India favorite war of the in heroes of the and Saibal Chatterjee of NDTV give the film 2 star of the 5 star by the saying the and the saying Malhotra has the end takes of the end portrayal Batra with the end obviously hit the end closing with the end cinematic powerful and a flying take the Shersha movie much the higher and the future is the word drama movie
अनुपमा चोपड़ा अब दी फिल्म कंपनी वरुड द फिल्म एंड द कुलकी स्ट्रोक द एंड डोंट अलाउ टू बी एन अग्रोज द एंड टेंशन ऑफ द एक्सटार्ट मूवी ग्रीप इन द एंड कमेंस टू बी लाइफ इन द मूवी इन सेकेंड हॉट द एंड वंस अगेन द एंड बैटल बिगिन द एंड शुभ्र गुप्ता ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस गिव द फिल्म टू स्टार आउट ऑफ द फाइव स्टार सिंह द एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म हैज द एंड नेदर द एंड नेक्स्ट थ्री मूवी ड्रामा एंड इन हेयर द एंड क्रिकिंग वार द फिल्म नोर एंड डूट ऑफ द एंड पटुरा द एंड गोक्षी मूवी वेटिंग फ्रॉम द हिंदुस्तान एंड द हिंदुस्तान टाइम्स रोहन नेहरा प्राइजेज द एंड स्क्रीन बट द एंड क्रिटिसिज ऑफ द मूवी डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग द एंड सेमिलिट्री मूवी एंड कारगर ऑफ द रिवेंट टू बी इंदू सिद्धार्थ मल्होत्रा साइंस ऑफ द परफॉर्मेंस कैन बी मेक अप द फोर एंड विष्णु वर्धन ऑन भी ऑडियंस द मूवी द टेल विशाल बात्रा गिव द एंड मूवी द बिगेन ऑफ द फिल्म एंड द रिसेंबल टू एंड टेडेक द टेल हिप द गिव 2017 द इविडेंट फ्रॉम द सेम टाइटल एंड सिमिलर एंड कॉल टू द फिल्म and depict the Vikram Batra and Dimple Chima getting married the will be seen in the unwear the an interview with the and count in 2016 the Chima and revealed to be will be and doing the and परिक्रमा ऑफ द एंड निशान साहिब हैज द वॉच एंड विलकिंग द एंड बेहिन मी ऑन द एंड कंप्लीटिंग द एंड परिक्रमा ही द एंड साइड द एंड कंग्रेचुलेशन द एंड ए मारिज द बात्रा एंड आई द एंड विजिट द अराउंड टू बी एंड सी हिम द एंड होल्डिंग वन एंड ऑफ द एंड दुपट्टा इन द एंड साक्षी एंड कंप्लीशन ऑफ द एंड फॉर द फ्राउंड एंड अराउंड विज द एंड निशा साहिब इज द एंड कंसिडर द मरीज द एंड रिटुअल द एंड डिफिकल्ट बात्रा filming the chima is the hair the and parting with is the and hello and the blood hindu the and marriage the and ritual the and confident the movie and confirmed by the hair is the and same interview the film show the batra and telling his the and friend the I either the comeback after the and resign the indian flag the and victory and the victory over the return the and warped the but I come for the and althau his the and twin vishal batra confirmed the batra saying the and worst to be in friend it is the has been the and disputed the and we be in actually side to the end what the movie in particular the pakistani true and pakistani troop the end rating is the batra over the in radio batra the himself noted his the end himself is the end famous interview with the in Barkhata dot and received the on Shersha movie you will come the end don't try to be and come up the end otherwise you have a and how time is the end theater time the end give you the end challenge and any the end guys to be where the world be in the film also show the end Pakistani trip is the end asking to Indian to give the film Madhuri Dixit this has the end been positive review and perfectly confirmed by the end other who the end service movie unit the film end after made of the end capture of 5140 batra is the show to use the end journalist and string the phone duke phone to sell the enchima in the reality had the end browed the start to end the and the satellite phone but which the end called his the father and instead the his end incomplete the message the DBIV the end captured the end entirely and missed of the message of the movie in the Vikram Batra. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शेरशाह फिल्म को जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था. इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे. तो दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे. तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है. दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता. मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला दिया है. दोस्तों फिल्म की शुरुआत में विशाल बात्रा जो बात करते हैं वह 2017 में उनके द्वारा किए गए थे. फिल्म में विक्रम बात्रा और डिम्पल चीमा की शादी को दिखलाई गई है जबकि वो अनजान है. साल 2016 में द क्वीन के साथ एक स्वच्छता कार में चीमा ने खुलासा किया था कि निशान साहिब की परिक्रम करते समय वह मेरे पीछे चल रहे थे और इसी तरह परिक्रम पूरी करने पर उन्होंने कहा था बधाई हो श्रीमती बात्रा मैं उन्हें देखने के लिए घुमा रही हूँ. आपको बता दें दुपट्टे का एक जो है सिरा पकड़े हुए हैं जहाँ पे सिख धर्म में यानी कि निशान साहिब के चारों ओर चारों फेरे लिए जाते हैं. इसी तरह दोस्तों सिख धर्म में चार फेरे के बाद शादी की रस्म जो है मानी जाती है. उसी सहसता कार में बात्रा धारा
चीमा के बालों को अपने खून पर एक हिंदू विवाह जो है अनुष्ठान से भरने के चित्रण की भी पुष्टि की गई थी। फिल्म में विक्रम बत्रा को अपने दोस्त से कहते हुए दिखलाया गया है, मैं या तो जीत में भारतीय ध्वज फहराकर वापस आऊँगा या फिर उसमें लिपटे हुए आऊँगा, लेकिन मैं निश्चिंत रूप से आऊँगा जरूर। हालांकि उनके जुड़वा जो है विशाल बत्रा ने बत्रा को एक दो जो शब्द कहने की पुष्टि की थी। ये जो है विवादित है कि उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को यानी कि किसके लिए कहा था। इसी तरह फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना को रेडियो पर बत्रा को धमकाते हुए दिखलाई गई है। बत्रा ने खुद जो है खराब दत्त के साथ जो है अपने प्रसिद्ध जो है सशस्त्र कार में इसे याद करते हुए कहा, ओ शेरशाह आप आए हैं, ऊपर आने की कोशिश मत करिएगा वरना मारे जाइएगा, कठिन समय आपके लिए हो जाएगा। यही थी वो समय जब उन्होंने हमें दिखाया था कि चुनौती और मेरे दोस्त कैसे यानी कि जंगली हो गए थे। फिल्म में पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय यानी कि भारतीय माधुरी दीक्षित को देने के लिए कहते हुए दिखलाई गई है। यूनिट में सेना देने वाले अन्य लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 5140 पर कब्जा करने के बाद बत्रा को चीमा को कॉल करने के लिए एक पत्रकार के सेटेलाइट फ़ोन का उपयोग करते हुए दिखलाई गई है। वास्तव में उसने एक सैटेलाइट फोन उधार लिया था, लेकिन उसके बजाय उसने अपने पिता को फोन किया था। उनके अधूरे संदेश यानी कि डैडी आई हैव के साथ जो है कैप्चर को शुद्ध में उनके कब्जे के संदेश के रूप में गलत जो है समझाई गई थी। 4875 पर चढ़ते समय बत्रा को एक बंकर पर हमला करते हुए दिखलाया गया है और अकेले ही 3 यानी कि दुश्मन सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराए हैं। हालांकि वास्तव में उसने दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया था और ऐसा करते हुए कई जो है यानी कि उसको चोटें लग गई। फिल्म के विपरीत जो है यानी कि स्नाइपर की चपेट में आने के बाद बत्रा की तुरंत मृत्यु हो गई और अपने आदमियों को इस बिंदु पर कब्जा करते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें जैसे ही वो लोग वहां पे जाते हैं ध्वज लहराने जीत करते हैं, वहां पे विक्रम बत्रा की मौत हो जाती है जिसकी वजह से उनके अधूरे सपने जो है पूरे नहीं होते हैं उनके मौत से पहले। मौत के बाद तो पूरे हो जाते हैं लेकिन मौत से पहले नहीं होते हैं। इसी तरह बता दोस्तों करण जौहर ने साल 2018 में पुष्टि की थी कि वह कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर एक बायोपिक का निर्माण करेंगे। बत्रा परिवार चाहता था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बत्रा का किरदार निभाए। अंततः उन्हें बत्रा और उनके जो है समान जुड़वा भाई विशाल की दोहरी भूमिका निभाने के लिए चुना गया फिल्म के लिए। इसी तरह कियारा आडवाणी को कास्ट करने से पहले विक्रम बत्रा की मंगेतर डिंपल चीमा की भूमिका निभाने के लिए कई बार जो है यानी कि कई अभिनेत्रियां चर्चा में थी, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने जो है कि अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया था। फिल्म की आधिकारिक जो है घोषणा से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि सेठ जो है कि मेरा दिल मांगे मोर होगा, लेकिन इसको बदलकर शेरशाह रख दी गई। फिल्म की आधिकारिक तौर पर 2 मई 2019 को घोषणा की गई थी जिसका शीर्षक पुष्टि की गई थी और शूटिंग के स्थान जो है चंडीगढ़ में रखे गए थे। इसी के साथ जो है 7 मई 2019 को शुरू हुई थी फिल्म और फिल्म 12 जनवरी 2020 को लपेट ली गई थी। पैच वर्क शॉट जो है 23 अक्टूबर 2020 तक पूरे कर लिए गए थे। इसी के साथ जो है फिल्म में दिखाए गए गीतों को तनिष्क बागची बी पार्क जो है जसलीन रॉयल धारा जावेद मोहसिन और विक्रम मोटर्स द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। इसके बोल मनोज मुंतीसर एंड रश्मीर बिराग जो है यानी कि अनबी दत्त जानी और बागची के लिखे हुए थे। जॉन स्टीवन के साथ एडोरी ने फिल्म के स्कोर की रचना की थी जो 16 अगस्त 2021 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था। इसी तरह बता दें तो फिल्म रिलीज होने के बाद मूवी को बहुत ही अच्छा रिव्यू मिली थी क्योंकि रिलीज होने पर शेरशाह फिल्म को फिल्म समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने मल्होत्रा के प्रदर्शन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ने फिल्म के लेखन की आलोचना भी किए थे। रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 13 समीक्षकों के आधार पर 54 रेटिंग दिए गए थे। इसी के साथ बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने शेरशाह फिल्म को पावर पैक फिल्म कहते हुए 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी। लिखा है शेरशाह फिल्म कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा एन प्रेरणादायक है। और आपको बता दें इस मूवी की भावनात्मक की वीरता शेरशाह के साथ जो है साहस और बहादुरी को सलाम करती है।
इसी तरह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक गेम चेंजर कमांडिंग के साथ एक जो है कि अश्विक कार्य निर्देशक जो है कि विष्णुवर्धन शेरशाह की कहानी को अत्यंत जो है कि योग्यता के साथ बताते हैं। इसके साथ जो है पटकथा लेखन अधिक कांजोय भागों के लिए और शस के साथ युद्ध के दृश्यों को उत्कर्ष के साथ जो निष्पादित किया जाता है। इसी तरह फिनाले निश्चित रूप से आपको नम कर देंगे और फर्स्ट पोज के अन्ना एमएम वेटी कैट ने फिल्म को 5.25 स्टार दिए और कैप्टन विक्रम बात्रा की बायोपिक जो है इसके साथ ग्रिपिंग एज आर्मी एंड साथ ही प्रोसीजर के साथ इसे जो है कपूर एंड सन्स के बाद मल्होत्रा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाई गई है और ये कहा गया था कि विष्णुवर्धन को इससे अधिक जो है कि उपयोग दे मुख्य धारा का स्टार नहीं मिल सकता था। भारत के पसंदीदा युद्ध जो है नायकों में से एक को याद करने में उनके साथ जो है शामिल होने के लिए एनडीटीवी के सेबल चटर्जी ने मल्होत्रा को यह कहते हुए सुना था और इस फिल्म को 2.5 स्टार दिए कि बात्रा को दर्शाती है कि एक साथ जो है चित्रित करने के लिए उसके पास क्या रखी गई है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सिनेमा की मार्ग जो है क्षमता और इस फिल्म की चमक जो है पत्थर शेरशाह को एक युद्ध नाटक के रूप में और भी अधिक और भी आगे ले जाती है। फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है, फिल्म की भदी यानी कि संरचना इसे जो है तनाव या फिर पकड़ बनाने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद दूसरे घंटे में ये जीवंत हो जाती है कि द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 5.2 स्टार देते हुए कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में न तो एक युद्ध फिल्म में निहित है या फिर आवश्यक जो है नाटक रखी गई है, ये देशभक्ति के रोंगटे खड़े कर देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखक रोहन नेहरा ने पटकथा की प्रशंसा की लेकिन दिशा की आलोचना करते हुए कहा कि ये स्मार्ट कोरियोग्राफर की गई है, कार्रवाई एक जो है कि उनके साथ यानी कि पूर्ण ईश्वर है जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का ईमानदार प्रदर्शन जो है विष्णुवर्धन की असमान दिशा के लिए नहीं बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। बता दें दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह फिल्म को और इस फिल्म से जुड़े काफी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया शेरशाह फिल्म को। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट आता है, मैं अपने चैनल पर फिल्म को अपलोड नहीं करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ पे मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बदला सकता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जिस फिल्म को रिव्यू किया उस फिल्म का नाम है शेरशाह। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो विष्णुवर्धन सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया था और फिल्म की कहानी संदीप श्रीवास्तव सर ने लिखे थे, जो साल 2021 की सबसे बड़ी हिट मूवी मानी जाती है। और दोस्तों, वहीं पे हम बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी अभिनय करते हुए नजर आए थे और फिल्म के साउंड डायरेक्ट के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म के गाने जो है तनिष बागची ने तैयार किए थे। दोस्तों, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बनाए तहत बनाया गया था और ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो में 12 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी। तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस फिल्म को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।